गुड आफ्टरनून एवरी वन आई एम यश पांडेमेशन बिकॉजिंग सो फाइनली वी आर विदेशन जिसका इंतजार हम नाउन के बाद करते हैं आई नो आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि प्रोनाउन चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना हम सोचते हैं ना नाउन चैप्टर में ना क्वेश्चन के आंसर हमें पता होते हैं प्रोनाउन चैप्टर में हम हमेशा कन्फ्यूज होते हैं आउट ऑफ ऑल द सेशन एट आई हैव टेकन सो फार

अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं तो आप सबके मन में कुछ यू नो पिक्चर्स आएंगे आप बोलोगे कि मैम ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन के अगेंस्ट यूज करते हैं या नाउन का सब्सटीट्यूट यूज करते हैं इफ आई से मानसी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज वेरी गुड एट इंग्लिश ऑल्सो तो जब हम ऐसा बोल रहे हैं या हम कह रहे हैं राहुल बहुत अच्छा क्रिकेटर है लेकिन क्वांट्स में भी बहुत अच्छा है या रीजनिंग भी राहुल की बहुत अच्छी है तो आप बोलोगे कि मैम ये जो ही आपने इस्तेमाल किया ये जो शी आपने इस्तेमाल किया हो सकता है इस फोन को ऑब्जेक्ट है ना नॉन लिविंग तो हमने बोला इट इज अ वेरी नाइस फोन इट इज अ वेरी नाइस फोन और दिस इज अ वेरी नाइस फोन ऐसे केसेस में हम जब भी अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स को देखते हैं फिर चाहे वो मेल हो फीमेल हो नॉन लिविंग हो लिविंग बींग्स हो इन जनरल हो तो हमें उसे प्रोनाउन देना पड़ता है एंड आई से कि हम उसे प्रोनाउन दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारे प्रोनाउंस हमेशा नाउन्स पे डिपेंडेंट होते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उनता प्रोनाउन इज वॉट योर नाउन इज आपके नाउन का सब्सिट्यूट ही ये हो पाएगा। इसके अलावा हम इसे और किसी पार्ट में नहीं यूज कर सकते ऐसी cases में हमने देखा क्योंकि बहुत डिफरेंट होते हैं तो हमें उन सबके लिए अलग अलग काइंड के प्रोनाउंस भी यूज करने पड़े लेकिन क्या हम आज ही सारे टाइप ऑफ प्रोनाउंस फिनिश कर पाएंगे पॉसिबल नो बट टेक्निकली आपके पास इतने टेन काइंड ऑफ प्रोनाउ होते हैं

Now, these pronouns will be taught together. There will be certain more classes regarding the same chapter, and hence you will be going through the classes one by one. So the topic is personal pronoun. The name suggests personal relating to person. Personal re relating to person. Now when I say person, kya de magme hai? आपके दिमाग में आता है एक ऐसी सीरीज जिसके थ्रू हम आपको इस चैप्टर को एस कराएंगे और इनफैक्ट इन, इन एग्जाम्स को भी आई फर्स्ट स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन लेट मी जस्ट चेक इफ यू पीपल आर केपेबल इनफ टू आंसर सम ऑफ माई क्वेश्चन इसके बाद हम रूल्स पर आएंगे पहला सवाल आप सबके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर है आपको बताना है कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है हीना गौरव इसको बताओ बफरिंग अब नहीं होगी अब नहीं होगी अब नहीं होगी चलो इसे करो हाय खुशी हाय डॉली हेलो मंजू पहले मुझे कोई बता पाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टक है वीडियो रिफ्रेश कर लो एक बार नंदनी प्लीज रिफ्रेश शालू व्हाट शुड बी द आंसर साक्षी ओके आई प्रेज्यूम दैट यू पीपल द क्वेश्चन एटलीस्ट सी लग रहा है सबको ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करें प्रियांशु सोचो ये अभी मैंने सिर्फ आप लोग का एक टेस्ट इन ट्राइल लिया था लेट्स लुक आई सेड देयर आर मैनी आई सेड देयर आर मैनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक हमारे पास बहुत सारी अंदर की आवाजें हैं ठीक है दैट स्पीक मैनी इनर देयर आर इनर वॉइसेस दैट स्पीक To us. ये किससे बात करती है हम सबसे अस इन साइड योर हेड इन साइड योर हेड अब ये voices हम हमसे बात करती है तो हमारे हेड में होंगी ना तो अगर आपको हमारे बोलना है तो पर्सन कौन है यहाँ पे अस हमारे हेड यानी हमको क्या चाहिए हमें चाहिए पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन

यहां पर आपके क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर बन रहा है एंड इट हैजू बी पार्ट बी आवर आप यहाँ पे योर की जगह पे जो आंसर लिखोगे दैट हैज़ बी आवर आवर आर इन हेड नॉट योर हेड श्रेया आप लाइव ही तो हो बेटा आप लाइव ही तो देख रहे हो ये सेशन ठीक है तो नेक्स्ट next... नहीं, नहीं। है ना अब देखो समर ये वाला दे किसके लिए जा रहा है बेटा वॉइस के लिए अगर सिर्फ आवाज होती तो इट राइट right, समर लेकिन आवाजें हैं तो उनके लिए तो आप देखा ही यूज करोगे पर आइए आप लोग, so आपको आवर का यूज करना है इन प्लेस ऑफ योर राइट नीति कम्स नंबर टू एक किसको ट्राई करो द रूल्स ट्राई डूइंग दिस एवरी वन गाइज प्लीज इसे शेयर कर देना जितना पॉसिबल हो सके दे आर गोइंग फोर द वॉइस नहीं नहीं श्रेया ये तो सिर्फ चेक करने के लिए कि आप पर्सनल प्रोनाउन कितना जानते हो देन आई वेल कम टू द रूल डी लेट्स कुछ सी जा रहे हैं आइए दे नो मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है मैंने आपसे कहा था कि एक चीज आप लोगों को याद रखनी कि जब आप बोलते हो बिटवीन तो बिटवीन दो लोगों के बीच में हो रहा है हाँ या ना बिटवीन आपके पिताजी एक तो आपके फादर है और दूसरा आप हो है ना तो यहाँ पे उसको शी लिखा है लेकिन आप दोनों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए तो आप बोलोगे मैम इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे दोनों के बीच में सॉरी ये आई है ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए हमारे और पापा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए यही तो बोला है हमने क्या नहीं होना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग ना तो देर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग अब बन गया हमारी क्वेश्चन का क्या सब्जेक्ट किन के बीच में नहीं होना चाहिए मेरे बीच में और मेरे पापा के बीच में तो मैं और पापा अब कहा सब्जेक्ट रहे मैं और पापा तो हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट बन गए ना मैं और पापा क्या बन गए हमारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट बन गए तो अगर हम और पापा ऑब्जेक्ट बन गए तो हमारे को आपने ऑब्जेक्टिव केस में क्यों नहीं रखा हमने क्या बोला अगर हम और पापा दोनों ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस बनाओ ना आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ही एंड हर बिटवीन हर फादर एंड हर यू विल नॉट है मिसअंडरस्टैंडिंग इज इज सब्जेक्ट राइट नीति तो हम बोलेंगे देयर शुड बी नो मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड हर योर फादर एंड हर इट्स नॉट शी आप वहां पे शी का यूज नहीं कर सके कोई बात नहीं साक्षी प्लीज अवॉइड दैट बच्चा इट्स ओके सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस इज गोइंग टू बी डी फॉर श्योर और कंस्ट्रक्शन देख लीजिए आपको हर का यूज करना होगा क्योंकि जब हम बिटवीन को एज अ प्रपोजिशन यूज करते हैं वी ऑलवेज यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव क्योंकि सब्जेक्ट तो कुछ और बन जाता है ना लव बिटवीन यू एंड मी तो लव इज द सब्जेक्ट यू एंड मी विल बिकम द एक और ट्राई करो लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन सो दिस इज नंबर थ्री बताइए अगर आप लोग को लग रहा है कि आप पर्सनल प्रोनाउंस जानते हो करो ट्राई करो इज इट डन नो इट्स नॉट स्टक हीना इट इज नॉट स्टक आई एम देयर शालू का आंसर आ गया है प्रियांशु का आंसर आ गया है कृतिका नीति योग्यता का आंसर आ गया ओके फाइन आई हैव आंसर्स। सो मोस्ट ऑफ यू फील दैट इट इज ए। ओके, इट इट वाज, वाज। आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट है इट वाज। साथ किसे कर रहे हैं हम ध्यान दीजिएगा हमने लिखा इट के साथ वाज। आपको याद है मैंने एक बार आपसे बोला था इट वाज मी हु स्टूडेंट मैंने बच्चे को पुश करा इट वॉज मी हु द स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कोई सेंस है मैंने बोला मैंने बच्चे को पुश किया तो मैं कौन हूं मैं कौन हूं सब्जेक्ट ना मैंने पुश किया आई एम द सब्जेक्ट आई एम डूइंग द एक्शन मैंने पुश अगर किया तो मैंने क्या बोला इट वॉज मी फिर क्यों होगा मी तो हमें जहां तक लगता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है हमें इसे सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा तो हम लिखेंगे इट वाज आई आप मुझे सब्जेक्ट बनाओ ना मैंने बच्चे को पुश किया इस क्वेश्चन में हमारा बच्चा ऑब्जेक्ट है लेकिन मैं सब्जेक्ट हूं अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर इट वाज कॉलेज अगर ये नाउन है और आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट है तो इसके बाद एंड के बाद हर नहीं जाएगा इट वॉज कॉलेज एंड शी हु और कैसे कंफर्म हुआ कि ये लड़की सब्जेक्ट है कैसे कंफर्म हुआ आगे हिंट देखो हु रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा हु हमेशा सब्जेक्ट के साथ जाता है और हुम हमेशा आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के साथ जाता है इज दैट क्लियर इट वॉज लास्ट नाइट एंड शी ऑन नॉकिंग एट द गेट इज दैट क्लियर चिल्ड्रन यस ऑन सो वहां पर आई नहीं हर है ना तो हर का सब्जेक्टिव बनाओ आपको वहां शी का यूज करना पड़ेगा Is that clear? So these were some basic questions just to test कि personal pronouns जानते हो या नहीं जानते हो Having said all of this, I'll take you to certain structures that we have in pronouns. अब आपको जानना पड़ेगा अब मैं आपको पढ़ाना start करने वाली सारे लोग screen को ध्यान से देखो The word that we use in place of a noun is called a pronoun. सबसे पहला सवाल what is a pronoun? Noun की जगह जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं या जिन शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है मनीष उसे हम क्या कहते हैं हम उसे प्रोनाउन कहते हैं वी यू ही शी दे सब प्रोनाउन्स का ही तो पार्ट है जैसे समीर इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स समीर हमारे क्वेश्चन का सब्जेक्ट था हमें लिखा ही गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास ये ही समीर के लिए आया राम एंड लक्ष्मण वे ब्रदर्स अब यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट राम है दूसरा लक्ष्मण है तो हमने इनके लिए जो यूज किया वो यूज किया दे वाई बिकॉज हमें प्रोनाउन को प्लूरल स्ट्रक्चर में रखना है इसीलिए कहा जाता है कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के जैसा होता है समझ आया नाउ देर आर दे आर बेसिकली टेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अब आप बोलोगे मैम टेन काइंड्स लाइक रियली यस इन प्रोनाउन्स को याद रख सकते हो आप एक ट्रिक के साथ और अब आएगा मजा देखो नॉर्मली क्या होता है हमसे कोई कह दे प्रोनाउन्स एक्सप्लेन कर दो तो नहीं हो पाता कुछ प्रोनाउंस को आप प्राइड वर्ड से याद रख सकते हैं क्या वर्ड है प्राइड और दूसरा राइडर वंस अगेन रिपीट इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन प्राइड राइडर पांच पांच टोटल कितने प्रोनाउन्स हुए टेन वंस अगेन प्राइड राइडर इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन सारे लोग पहले लिखो प्राइड और राइडर इसका डेफिनेशन मैं आपको अब बताऊंगी सारे लोग कमेंट सेक्शन में एक साथ लिखेगा पी आर आई डी सबकी सब कैप्सलॉक सब में होंगे और दूसरा राइडर आर आई डी आर राइट गौरव खुशी ठीक है नाउ अगर मैं प्राइड पे क्लिक करूं और राइडर पे क्लिक करूं तो क्या मुझे इसके कुछ और बेसिक्स पता होंगे ठीक है प्राइड और राइडर टेन टेन हमारे बेसिक प्रोनाउन्स होते हैं टाइप्स में ठीक है आई अभी तो ठीक चल रहा है ना आई थिंक आई कैन सी माई स्क्रीन इज कंप्लीटली फाइन राइट नाउ राइट ओके पहला पी से आप बना लीजिएगा ठीक है ये हो जाएगा आपका पर्सनल आप मुझे बता सकते हो कि आर से कौन सा प्रोनाउन आ सकता है किसी को कोई नेम याद है आर से हाँ इट्स वर्किंग फाइन आई नो आई नो आई नो आप आगे बताओ ना आर से क्या आ सकता है क्या हम यहां पे ये नहीं बोल सकते कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए हम आर यूज कर सकते हैं आई आई यानी क्वेश्चन अबाउट राइट यू हैव अदर स्ट्रक्चर दैट इज डी डी का मतलब हम डेमोन्स्ट्रेटिव बोल सकते हैं आई थिंक बचपन में एक ही प्रोनाउनी समझ में आया है जीवन भर में दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज डोज और फिर आया ए हम इसको एक्सक्लेमेटरी बोल सकते हैं न वी सेक्सलेमेटरी प्रोनाउन्स तो ये हुआ प्राइड प्राइड से रिले आपको याद हो गए पांच वर्ड्स अब आई राइडर राइडर में हमारे पास कितने प्रोनाउन्स आ सकते हैं कोई बताएगा सपना मिताली डाउट प्लीज आस्क मी स्क्रीन इज क्लियर बेटा या एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क एम्थेटिक लग रहा है और कुछ और कुछ देखो क्या हम यहां पे रेसिप्रोकल बोल सकते हैं क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस फिर आया आई यहां पर हम ऑलरेडी इंटेरोगेटिव यूज कर चुके हैं तो क्या हम यहां पे इनडेफिनेट यूज कर सकते हैं डी आया डेमोन्स्ट्रेटिव हम यूज कर चुके हैं तो हमारे पास और कौन सा बना आ, रिफ्लेक्सिव तो आएगा एक जगह चलो आप लोगों ने आर भर दिया आप लोगों ने बोला कि ये माम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ठीक so, तो है तो क्या हम इसको एम्फेटिक बना सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन एक बचा है अब क्या होगा बिल्कुल करेक्ट है डेफिनेट कोई प्रोनाउन नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटिव भूल गए आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव भूल गए अब देखो ये टेन प्रोनाउन्स हमारे बने कि नहीं बने कंप्लीट यानी टोटल हमारे पास दस प्रोनाउन होते हैं अगर अब कभी कोई पूछे तो सीधे सीधे दिमाग में लाना प्राइड और राइटर पर्सनल रिलेटिव इंटेरोगेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सक्लेमेटरी और रेसिप्रोकल इंडेफिनेट डिस्ट्रीब्यूटिव एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव वॉज इट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड आई एम श्योर या पहली बार देख रहे हो आई एम श्योर कि ये आप पहली बार देख रहे हो और अगर आप सब ये पहली बार देख रहे हो यार थम्सअप करके बता देना कि हाँ मैम मजा आ गया ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इसी बात पे शेयर करके ग्रुप पे आ जाओ कि ऐसी प्रोनाउन की ग्लास हमने नहीं देखी झुम्पा कैसा लगा मजा आया अब आपको इतना तो याद हो गया कि ये दस प्रोनाउन होते क्या हैं हाँ जी खुशी दिस इज अट ट्रिक फॉर यू ठीक है साइड में आ हिमांशु डन बहुत जल्द हो जाएगा ठीक है अगर ये चीज क्लियर हो गई तो अब देखो तुम लोगों को यह समझ में आएगा कि अब हम पर्सनल प्रोनाउन पे इतना पेज क्यों करते हैं जब मैंने आपसे पहली बार कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन अबाउट पर्सन होते हैं तो मेरा आपसे कहने का तात्पर्य था धरती पे जो आप हैं हम हैं हमारे आसपास जितने भी संसार में व्यक्ति आप देख सकते हैं वो सब पर्सनल प्रोनाउन है अलग अलग तरीके के कैसे तीन तरीके के इंसान होते हैं इस धरती पे पहला फर्स्ट पर्सन जो कि है स्पीकर मैं फर्स्ट पर्सन आपकी क्लास की फर्स्ट पर्सन मैं हूं दूसरा सेकंड पर्सन तुम क्या हो यू जिस पे उंगली उठा दी जाए वो दूसरा इंसान हमेशा सेकंड पर्सन होता है तो आप कौन हुए सेकंड पर्सन यानी द लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज अबाउट हुम वी टॉक थर्ड पर्सन बन गया दे यानी कि मैं और तुम अगर शाम की बात कर रहे हैं तो शाम बन गया थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सो ही इज द ऑब्जेक्ट डिड यू अंडरस्टैंड दैट और नो सारे के सारे लोग पहले आप लोग ये बताइए कि क्या आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कृतिका नंदनी कितने पर्सन होते हैं तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड पर्सन हमेशा कौन व्यक्ति होता है you सेकंड पर्सन हमेशा कौन सा व्यक्ति होता है यू थर्ड पर्सन आई मी वी ही शी को छोड़कर सब के सब थर्ड पर्सन दे देम सीता गीता से मनीष है ना अमित मान्या आई एम प्रीटी श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड सो ये थे हमारे तीन पर्सन इनसे रिलेटेड क्या मैम कोई रूल है क्या मतलब इनके बारे में जान के हमें क्या फायदा हम तो भैया बैंक का एग्जाम दे रहे हैं इन पर्संस को हम बेसिकली चार केसेस में डिवाइड करते हैं आई विल रिपीट इन पर्सन को हम चार केसेस में डिवाइड करते हैं और ये होते हैं प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केसेसिव एंड एंड कॉन्सेप्ट देर आर अदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट इनको कैसे यूज करते हैं आप लोगों को मैंने एक चार्ट सिखाया था तो चलिए आइए एक साथ करते बनाते आई वी यू सेकेंड पर्सन इकलौकता व्यक्ति है यू ही शी इट और दे आई वी यू ही शी इट दे ना ये तो सब्जेक्ट बन गए हमारे कितने फॉर्म होते हैं टोटल सात कितने फॉर्म होते हैं टोटल सात आई वी यू ही आपने एक चीज नोटिस करी आइए चलिए एक साथ करते हैं कल बिकम्स अस यू बिकम्स यू यू में कोई भी चेंज नहीं होता वो जैसा था वैसा ही रहेगा ही बिकम्स हिम शी बिकम्स हर इट इट ही रहेगा इट में कोई चेंज नहीं रहेगा और दे हो जाएगा आपके क्वेश्चन में क्लियर तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव केसेस इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव so, he, him, her, it, them हुआ आपका ऑब्जेक्टिव इनमें से दो प्रोनाउंस चेंज नहीं हुए अगर आप सबने दो ध्यान दिया तो फिर से देखो यू अनचेंज है यू में कोई चेंज हुआ नहीं

कोई ट्राई करना चाहेगा कृतिका नंदिनी वुड यू लाइक टू ट्राई अगर आई मी है तो पजेसिव प्रोनाउन क्या बनना चाहिए माइन, माइन। क्योंकि अगर आप माई बनाओगे तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा अगर आप कहते हो वी एस है तो हम बन जाएंगे आवर्स याद रखिएगा हर एक प्रोनाउन माइन छोड़कर आवर्स लेता है आवर्स ठीक है यू बन जाएगा आपके क्वेश्चन में बहुत आसान सवाल है योर्स ही बन जाएगा हर बन जाएगी hers. It's का क्योंकि कोई फॉर्म नहीं होता तो हम इसको इस तरह से लिखते नहीं है क्योंकि अगर हम इसका प्रोजेसिव बनाएंगे तो वो यहां पर होगा इसी वजह से यहां पर इट्स कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन में नहीं आता इन द सेम कॉन्टेक्स देम बन जाएगा आपके क्वेश्चन में देयर्स

पीछे की स्क्रीन पे कोई ध्यान नहीं देगा आप सब आप मुझे देखो एक सिंपल सा चीज बोलो अमित कृतिका आई वॉन्ट एवरी फोकस हमारे पास टोटल कितने केसेस होते हैं प्रोनाउंस के तीन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोजेसिव एक प्रोनाउन तीन काम करेगा सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा पोजेशन लेगा ठीक है अरे मनीष हुम कहां से आ जाएगा पर्सनल हुम तो रेलेटिव प्रोनाउन हुआ ना बेटा रेलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाएंगे वो अभी इधर आओ फॉर्म होते हैं सात। आई वी यू ही कौन से दो प्रोनाउंस कभी भी चेंज नहीं होते यू और इट बाकी सारे प्रोनाउंस चेंज होते हैं कौन सा प्रोनाउन है जिसका कोई पार्ट ही नहीं है फॉर्म नहीं है? That is, it's. It का कुछ नहीं हो सकता इज यस और नो नसरीन डॉली आई एम श्योर दिस इज डन एंड डस्टेड सो पहले देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो

वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज वेल एज हिज ओन न देर इज अ च नॉर्मली क्या होता है जिस भी चीज का कोई भी डेफिनेशन uh, नहीं होता definite नहीं होती वो चीज इनडेफिनेट तो नॉर्मली जितने भी हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ठीक है जैसे कि एनी बडी समबडी एनी थिंग लाइक दिस ठीक है Anybody बडी हो जाए सम वन हो जाए समबडी हो जाए इनका क्योंकि कोई डेफिनेट शेप नहीं होता ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, हम इनके साथ एस हिज लगाते हैं बट वन जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है वन बोलता है कि काम करो मेरा करेक्शन हमेशा वन रखो तुम कभी हिज नहीं लगा सकते वन का सब्सटीट्यूट जब प्रोनाउन बनाया जाता है तो वन की जगह पे हम यूज करते हैं One's own. So, mein bahut awkward. Hai. Yes, Priyanshu, but the answer is once. Which I feel that technically each one of you have got this correct. So, the answer has to be part D. That's right. For sure, children. Next is number. We have the next one. Okay. Now, before I even come to this section, children, remember to download the app and refer to your friends as much as possible. Now, there is another question. Can you tell me what should be the answer here? Ek fill in the blanks. Karte बॉय शुड डूज वर्क ना अगर तुम ये आंसर कर दिए तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो गया लोगों को इसे कल की क्लास में दो सौ लाइफ पहुंचाना पड़ेगा खुशी क्या आंसर लग रहा है मान्य वन का करेक्शन अलग है वंस होगा प्रियांशु योग्यता खुशी वंस होगा और बाकी सारे लोग अंशुमान वन होगा लिख के बता पाओगे आप लोग लिख के बता पाओगे आप लोग uh, वॉट इज आंसर वंस होगा वंस होगा वंस होगा वंस होगा वंस होगा वंस होगा ऑब्वियसली अमित है ना है ना श्रुति आओ बेटा आओ, आओ। जब मैंने लिखा वन शुड रिस्पेक्ट वंस

सौ बातों की एक बात यहां बोला वन ऑफ द बॉयज इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय वहां वन तो सब्जेक्ट ही नहीं है ना नीथ दी कम ऑन आई का रूल ट्रिकी हो सकता है वन ऑफ द बॉयज नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दिव्या यू आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय अमित अब तुम्हें समझ में आया कितना बड़ा ब्लंडर है दैट्स अ रीजन तुमने वन का करेक्शन वंस देखा तुमने ये नहीं देखा कि वन के बाद शुड तो है ही नहीं बॉय डूर आंसर इज हिज वर्क सो इफ आई सी द करेक्ट आंसर इट हैज बी हिज यस अंशमान गलत हुआ अब आपको क्लियर हो गया एग्जैक्टली exactly नहीं थी क्योंकि यहाँ पे एक बॉय की क्लास की बात हो रही है दिस इज वन थिंग जो हम वन के रूल्स के बारे में नॉर्मली नहीं बताते हम बोलते बच्चे को वन देख लिया वन मार्क कर लेना बट अब देखो कि क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के भी हो सकते हैं है ना भूल चुक माफ है चलो भैया माफ है अगला सवाल वन ऑफ द गर्ल शुड डू डैश वर्क ना वो शुड बी द आंसर हियर अब बताओ अब अब तो गलत नहीं होगा इस पैटर्न का क्वेश्चन खुशी सबमिट नहीं हो रहा आंसर कोई बात ही कोई बात ही, आप इसको ट्राई करो वन ऑफ द गर्ल्स नाउ मिताली यस देयर इज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम ओके लेट्स सी सो व्हेन आई सेड

सी अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता सॉरी अगर हम ये लिखते वन शुड ठीक था नो no इशू लेकिन हम जब कह रहे वन ऑफ द गर्ल्स यूर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल अगर गर्ल के बारे में बात करें तो जो प्रोनाउन होगा वो तो गर्ल के अकॉर्डिंग होगा ना बेटा ठीक है चलो आ जाओ

ओके आई थिंक देअेस देर देर दे अच्छा बात बताओ यहां पर तुमको देम में सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है नहीं ना लेकिन वन ऑफ देम है तो हम सब यहां देम में हम देयर नहीं लगाएंगे उसमें से एक बाबू एक बात बताओ वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस ऑफ इंग्लिश ठीक है तो वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस यानी आउट ऑफ द मेनी is the बेस्ट अगर वन है ऑफ them में हमसे क्या लेना देना ऑफ them में हमसे क्या लेना देना वन शुड डू हिज वर्क Did you गेट द concept? ऑफ के बाद तो हम टेक्निकली भी प्लूरल यूज करते हैं ना वॉट रॉन्ग अंडरस्टैंड, ब्रेक हो रहा सेशन अभी भी आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड कोई बात नहीं यार पेशेंस रख लो बट आई होप कृतिका आप खुद सोचो अरे बाबा अगर हम बोलते कि वन ऑफ द गर्ल्स में तो तुम एक लड़की का बात कर रही थी तो तुमने हर लगाया वन ऑफ द बॉयज में तुम लड़के का बात कर रही थी तो तुमने हिज लगाया One of them में तो हम बात तो एक ही की कर रहे हैं डेम से जेंडर पता चल नहीं रहा वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है तो जब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है तो जेंडर तो हिज आएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में एक ऐसा रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने आप लोगों को कई बार गाना गा के सुनाया बट अभी मेरे को बहुत दर्द हो रहा है तो मैं गाना शायद न गा पाऊ बट यू एंड आई इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड सो द मोमेंट आई सेड यू एंड आई इन दिस वर्ल्ड राइट द मोमेंट आई सेड यू एंड आई इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड दैट मीन मैंने आई एंड यू क्यों नहीं लगाया है ना मैंने शी एंड यू क्यों नहीं लगाया देर हैजू बी वन रीजन क्योंकि आपका जहां तहां मन आप इंग्लिश का यूज नहीं कर सकते अब आपकी किस्मत खराब है कि इंग्लिश में ग्रामर आता है ग्रामर में रूल्स आते हैं और इसीलिए याद रखेगा कि हमने अपने को सेग्रीगेट किया है रूल और one, two, में two, three, one, क्या कहता है टू थ्री वन बोलता है कि सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन टू थ्री वन होगा कब जब आपके क्वेश्चन के सारे के सारे प्रोनाउन्स आई रिपीट सिंगुलर होंगे और वो सारे के सारे प्रोनाउंस जो है सेंटेंस में वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होंगे राइट लेट्स सी, मैम क्या बोलना चाहते हो आप एक बार चेक करते हैं देखना यू दे एंड आई मैम हमने तो टू थ्री वन बोला ठीक है यहां लिखा है यू सेकेंड पर्सन दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है ये क्वेश्चन गलत है यू एंड दे ये भी गलत है क्योंकि ये यहां पर है तो थ्री आएगा लेकिन यू एंड आई हैव सपोर्टेड सम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज करेक्ट समझ में आया यू एंड अगर यहां पे हम लिखते दे की जगह पे यू एंड यू कैन से ही विल बी द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट टूर्नामेंट तो सही था ठीक है मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ सेंटेंस को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं और सारे सिंगुलर होने चाहिए। एट वन टू थ्री तब जाता है जब कोई बैड एक्टिविटी या मोटिव हो जैसे इस सेंटेंस में देखो सब सिंगुलर थे बट हमने फिर भी एक दो और तीन यूज किया क्यों फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन क्योंकि हम लोग क्रिमिनल्स हैं फ्रॉड्स हैं गैम्बलर्स हैं स्मोकर्स हैं और किलर्स हैं इसीलिए हम 1 2 3 हो गए जबकि सिंगुलर है आई यू एंड शी हैव हैंग द बॉय इन द वुड्स हमने एक बार एक बॉय को होमवर्क नहीं कर रहा था तो हमने उसे वुड्स यानी फॉरेस्ट में वुड्स यानी फॉरेस्ट में हमने उसे टांग दिया लटका दिया टांग दिया मतलब खत्म सो so, देखो हाँ तो लेकिन नंदनी वो वो नेगेटिव सेंटेंस जो है ये तब जाता है जब आपके सेंटेंस में एक भी प्लूरल हो और सेंटेंस नेगेटिव हो और देखो दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव हैं इससे तो तो हो हो ही नहीं सकता एक को तुमने जान से मार दिया दूसरा तुम क्रिमिनल फ्रॉड स्मोकर और किलर भी समझे समझे ये हम लोग जरूर करेंगे याद रखिएगा इफ ऑल दर्सन आर प्लूरल सेकेंड एंड थर्ड यानी कि टू और थ्री आएगा जैसे अगर प्लूरल है तो ध्यान देना देखो यहां तो दे, पर चांद, हमने क्या देखा पहले आया फर्स्ट पर्सन फिर आया सेकेंड पर्सन और थर्ड क्यों क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है द सेम कॉन्सेप्ट अगर आपका सेंटेंस प्लूरल है ठीक है अगर आपका सेंटेंस प्लूरल है तो भी रूल वन टू थ्री अगर नेगेटिव है तो भी रूल वन टू थ्री अगर सिंगुलर और पॉजिटिव है तो टू थ्री क्लियर चिल्ड्रन और नो सो आई कि आप लोगों को ये वाले कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा तो चलिए अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करिए दे एंड आई क्लीन योर रूम्स आवर रूम्स वंस रूम्स या देयर रूम्स क्या होगा दे एंड आई क्लीन क्या होगा वो लोग और हम लोग मिलकर क्या कर रहे हैं विवेक झुम्पा कोई बता पाएगा बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है देखो क्या आंसर देखो इसका आंसर क्या हो सकता है कोई बताएगा हम यहां पे आवर डालेंगे कि हम यहाँ पे वंस डालेंगे हम अपना रूम क्लियर कर रहे हैं उनका नहीं वो और हम मिलकर हमारा रूम साफ कर रहे थे आवर वो और हम मिलकर हमारा कमरा साफ कर रहे थे यानी हमारा भी और उनका भी तो उनका नहीं लिखेंगे आवर लिखेंगे एक ट्राई और करो आप लोग यू एंड आई विल बी मेकिंग किसका प्रोजेक्ट आप और हम मिलकर किसका प्रोजेक्ट बनाएंगे क्योंकि तुम और मैं एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये सोनो शामी कृतिका तो हम किसका प्रोजेक्ट बनाएंगे आवर प्रोजेक्ट वेरी गुड हम योर प्रोजेक्ट तो बना नहीं सकते तुम और मैं मिलकर हमारा काम करेंगे परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। और, यू एंड दे राइटिंग डैश तुम और वो मिलकर किसका ऐसे लिखोगे मैं नहीं हूं अब मैं हूं ही नहीं अब बताओ अब तो तुम्हारा ऐसे ही नहीं है ना अब तो तुम्हारा ऐसे ही नहीं है तो ना तो वंस जाएगा ना तो आवर जाएगा तो किसका ऐसे लिखोगे यार मनीष और योगिता मिलके ऐसे लिखेंगे तो तुम लोग अपना ऐसे लिखोगे ना तो किसका ऐसे हुआ भाई योर ऐसे आपका क्वेश्चन का आंसर होगा योर तुम और वो तो तुम अपने आप को कंसिडर करो योर ऐसे मैं तो हुई नहीं ना इज दैट ओके ये ट्राई करिए आई यू एंड जॉन हैव बीटन किसके फ्रेंड्स आपने किसके फ्रेंड्स को मारा देखो 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 अब मैं, अब मुझे देखो, अब मुझे देखो. मैं पहले अब मैं मैं मुझे 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 पहले तो हमने अपने दोस्तों को मारा अब बताओ आंसर पहले में कौन है मैं तो किसके दोस्त मेरे जल्दी यार चलो चलो चलो, चलो शिवांगी योर फ्रेंड्स क्यों मैंने दो औरों के साथ मिलकर हमारे दोस्तों को मारा yes. आप आई को फॉलो करो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा आवर फ्रेंड्स

प्लीज इनको देखिए तो वंस तो आएगा नहीं अब बताओ बाकी में क्या होगा वी यू एन हैव बिल्ट वी को देखो वी हमने हमारा स्टूडियो बनाया यस yes no? तो अगर हमने हमारा स्टूडियो बनाया तो कैसे बनाया मान्या बैंगन यार हमारे हमारा बनाया हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं आवर स्टूडियो आवर परफेक्ट सुषमा वेरी गुड पर्सनल प्रोनाउंस में याद रखिएगा हम वर्ब्स जैसे कि इट इज आई एम शी इज दे आर यू आर इज एम आर वाज वेर हमेशा सब्जेक्टिव केसेस में होंगे जस्ट हैव एग्जांपल्स देखो माई फ्रेंड है एंड आई है ब्यूटिफुल साइट या सेल्फी यू एंड देव वी ऑलवेज कीप दम इन दिसजेक्टिव केसेस वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दिस नेक्स्ट रूल एंड देट इज वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ओके निकेगा अगर आपके क्वेश्चन में लेट है हम हमेशा लिखते हैं लेट यू एन मी हम लेट यू एन आई नहीं लिखते हैं. पता है क्यों आपको क्योंकि लेट के साथ यू एन आई होता है लेकिन लेट के साथ यू एंड मी होता है उसी तरीके से प्रेपोजिशन आइए कुछ एग्जांपल्स देखे आपको क्लियर हो जाएगा लेट आई वर्क हार्ड कभी सुने भी हो हम क्या बोलते हैं लेट मी वर्क हार्ड ही टोल्ड आई ही टोल्ड मी वर्ब के बाद हम मोस्टली ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं बिटवीन यू एंड मी देर इज नो आर्ग्यूमेंट तुम्हारी और मेरे बीच में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है सबमिट क्लियर हो गया अरे यार तुम लोग उसको ना तुम लोग अपने मन में आंसर दे दो ना तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा मेरा यहाँ का जो मेन मोटिव है वो पूरा हो जाएगा ठीक है याद कि हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं like, या फिर सर्टेन इन एंड नाउ इज एम आर वाज वेयर बीइंग ध्यान से देखो या आप जानते हो इट इज आई इट इज मी नहीं होता इफ आई वेर ही That's right. If I वेर him, नहीं होता क्यों क्योंकि हम सब जानते हैं कि it is के बाद subjective होगा. कभी भी objective नहीं होगा pretty sure that this concept is clear। क्लियर अंशुमान एक और बात याद रखना बेटा अगर आपके पास इट इज आई एम शी इज are, यू आर इट इज आई एम तो इनके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस जाता है सब्जेक्टिव इट इज हिम बोल दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा चार्ट में क्या सिखाया था हिम ऑब्जेक्टिव था इट इज ही बोलोगे इज आर क्लियर चिल्ड्रेन दाउ Saturday कि आप हमारे साथ सैटरडे को हम सारे mentors के साथ मिलके बहुत सारी कर सकते हो और अपने दिल की पूछ भी सकते हो When आई से प्रोनाउन टू आज हमने कल एक टॉपिक फिनिश कर लिया था सुषमा आपको याद है हमने आप लोगों से कहा था कि जब भी आप लोग किसी चैप्टर को ध्यान से पढ़ा करो तो ध्यान देना हमने आप लोगों को एक एक करके पास उठाया है तो हमने कल फिनिश किया पर्सनल प्रोनाउन्स अगर कोई नया बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है तो बेटा इसे रिविजन कर लीजिएगा कल की क्लास में यानी क्लास में आपको ये दिख जाएगा ठीक है पूर्णाशा आज हम कर रहे हैं रेलेटिव प्रोनाउंड से सेंटेंस से क्वेश्चन कभी देखा है आपने चार पांच साल में नहीं इंटेरोगेटिव से देखा है नहीं रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक में से मोस्टली एक मार्क्स का क्वेश्चन तो आता है ये तो हम नकार नहीं सकते से एक से दो मार्क्स का क्वेश्चन आपने देखा होगा की, तो तीन सेक्शन ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इनसे सवाल ही नहीं आते इनको पढ़ के बेकार है हाँ कल जैसे हमने आप लोगों को, को पर्सनल प्रोनाउंस में प्राइड और राइडर करके याद कराया था आज का जो टॉपिक है वो रेलेटिव है रेलेटिव यानी दिस प्रोनाउन इज रिलेटेड टू समथिंग इट इज रिलेटेड इट इज रिलेटेड टू हूम किससे रिलेटेड होता है पर्सन से रिलेटेड होगा है ना थिंग से रिलेटेड होगा यस सोनू एनिमल से रिलेटेड होगा ये प्रोनाउन किससे रिलेटेड है रिलेटिव प्रोनाउन्स होते क्या हैं बहुत लोगों के मन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं तो चलिए उसे एकदम से आज खत्म ही कर देते हैं उससे पहले ये सीरीज जो आप देख रहे हैं ये आईवीपीएस पीओ और क्लर्क की हमें अचीव सीरीज है जहां पे हम कोशिश करेंगे कि आप सबका सपना है, हाँ हम जरूर पूरा करके आपको दैट आई वांट टू आस्क यू पीपल इज व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन आसान भाषा में अगर पूछा जाए तो ये वो प्रोनाउंस होते हैं जिनके आगे कोई एंटीसीडेंट आता है ठीक है जिनके आगे कोई एंटीसीडेंट आता है और इनके बाद अक्सर हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं ये एंटीसीडेंट आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है पजेसिव केस दिखा सकता है ये कुछ भी हो सकता है ठीक है जैसे एक सिंपल सा अगर हम उदाहरण देखें तो अ रिलेटिव प्रोनाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ अटेंस समटाइम्स इट ऑल्सो वर्क एज अ कंजंक्शन लेट्स हैव अ लुक ऑन एन एग्जाम्पल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अंडरस्टेंड रिलेटिव प्रोनाउन लुक्स लाइक ओके सॉरी वॉट रिलेटिव प्रोनाउन लुक्स लाइक अगर हम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से चले तो एक छोटा सा सेंटेंस आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं मैं कौन हूं आपकी इंग्लिश टीचर तो आप मेरे बारे में ऐसे बोल सकते हो यशी मैम टीचेस अस इंग्लिश इज वेरी काइंड हमने आपसे एक सिंपल सा सेंटेंस पूछा यशी मैम हु टीचर्स अस इंग्लिश इज वेरी काइंड क्या आप लोगों को ये सेंटेंस अपने हिसाब से करेक्ट लग रहा है या इनकरेक्ट लग रहा है कोई बताएगा हाँ कम टू दैट सपना मैं आ रही हूं उसी पर आ रही हूँ इस क्वेश्चन में आपसे मैंने एक चीज अभी क्या बताई कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनके पहले कोई एंटीसीडेंट आता है यहां पर एंटीसीडेंट हमारा नाउन है यशी मैम जो कि काम कर रही है एक सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट के लिए जिस रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं वो है आपका गेट दैट सो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली सेंटेंस हमारा करेक्ट है अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नए भी हो सकते, हो सकते हैं हो सकता है उन्हें ये नहीं पता हो कि मैम जो आपने अभी बताया ये तो मुझे समझ में आ गया कि यशी मैम हूँ टीचर्स इंग्लिश लेकिन आपने यहाँ पे यशी मैम को एंटीसीडेंट क्यों बोला ये एक टेक्निकल टर्म है जो हम लिटररी लैंग्वेज में ग्रामर में यूज करते हैं बताने के लिए कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर चेंज होता है तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है हमने कहा हाँ अब आपको ये बताना पड़ेगा हमें कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते कितने सारे हैं यह भी तो एक सवाल है आपके सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं और मेरे को पता है कि अगर आज की क्लास में आपको थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी याद दिला दूं तो आप लोग इस रिलेटिव प्रोनाउन वाले चैप्टर को लिटरली बता रहे हैं फोड़ दोगे क्योंकि ये चैप्टर उतना ही आसान है लेट्स सी हम बोलते हैं कि ये वर्ड्स मोस्टली डब्ल्यू एच फैमिली के जितने भी वर्ड्स हमारे सामने हैं चाहे वो हु हो चाहे वो हम हो चाहे वो विच हो और चाहे वो हो, और इसके अलावा दैट ऑल ऑफ दीज फॉर्म द पार्ट ऑफ रेलेटिव प्रोनाउंस ठीक है मैम रेलेटिव तो है तो क्या मैम सबका यूज सिमिलर है क्या लगता है आपको अपने कोग्नेटिव नॉलेज से समझाने की कोशिश करो कि आपको क्या लग रहा है कि इन सारी चीजों के जो रूल्स हैं या इनका जो यूजेस है वो सेम है जवाब आएगा अस्ट्रेट नो no. क्यों? क्योंकि अब मैं आपको इसको एक तरीके से सिखाऊंगी बट विद फॉर्म ऑफ सम क्वेश्चन आंसर्स सो गियर अप चिल्ड्रन बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी न्यू हु इज मोस्टली रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगी कुछ बेसिक चीजें समझाने के लिए आई एम क्लीनिंग द बोर्ड चिल्ड्रन प्लीज फोकस ऑन दीज टू वर्ड्स द फर्स्ट वर्ड इज हु एंड द फर्स्ट वर्ड इज होम द नेक्स्ट वर्ड इज होम एक चीज हमेशा याद रखेगा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाते वक्त हु हमारे क्वेश्चन में अक्सर सब्जेक्ट से रिलेट किया जाता है और हुम हमारे क्वेश्चन में अक्सर ऑब्जेक्ट से रिलेट किया जाएगा अगर आपको कभी भी ये डाउट आ जाए कि मैम ये सब्जेक्ट के लिए क्यों जा रहा है तो इसको करने का एक तरीका है याद रखना ये डूअर ऑफ द एक्शन है सब्जेक्ट क्या होता है डूअर ऑफ द एक्शन जो भी एक्शन सेंटेंस में मेंशन किया जा रहा है उसे करने वाले को डूअर यानी डूअर बोलते हैं या जिसके बारे में सेंटेंस में स्पेसिफिकली बात हो रहा है पता है आपको सब्जेक्ट खोजना हर व्यक्ति के लिए बहुत आसान है यह तो आसान था मनीष राइट प्रॉब्लम होता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के केस में हम करते है क्या हैं हम इसको दो तरीके से आंसर करने की कोशिश करते हैं पहला ये what का आंसर देगा आपके क्वेश्चन में और दूसरा हुम का देखो इसी वजह से इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो हुम है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैम कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हो बिल्कुल बता सकते हैं आइए चलिए पहले हम आप लोगों को ऑब्जेक्ट का याद करना या खोजना सिखाते हैं देखो सिंपल सा एक सेंटेंस सुनिएगा राम रावण हमारे पास एक सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस है शी सैट ऑन सेंटेंस है पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस और दोनों के दोनों हमारे क्वेश्चन में हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ हैं और इन्हीं वर्ब्स को इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं बहुत आसान तरीका था राम आपके क्वेश्चन का कौन है सब्जेक्ट राम किल्ड ये वर्ब है राम ने किसको मारा राम किल्ड हूं देखो रावण यहाँ पे हु का आंसर दे रहा है ना ऑटोमेटिकली रावण आपके क्वेश्चन का बन गया ऑब्जेक्ट जब आपने बोला शी तो शी आपके क्वेश्चन की सब्जेक्ट है सैट यहाँ पे आपके क्वेश्चन का वर्ब है शी सैट ऑन वॉट ऑन वॉट तो वॉट का आंसर कौन दे रहा है चेयर दे रहा है इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में वॉट जो है और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करेंगे रावण ऑब्जेक्ट है यहाँ चेयर ऑब्जेक्ट है राम और शी इन दोनों केसेस में हमारे सब्जेक्ट है आइडेंटिफिकेशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या पहले इस सवाल का जवाब दीजिए अब अगर मैं आपसे नींद में भी पूछूंगी कि बेटा सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप ये बता पाएंगे हमें हाँ या ना बिल्कुल करेक्ट है नीति बिल्कुल करेक्ट है मिताली आप आइडेंटिफाई कर लोगे अब देखो अब ये रूल आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा बेटा यहाँ पे बोला जाता है कि जो हुम हमारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है ये रेफर करता है uh, यूज होता है लेकिन हु हमारे क्वेश्चन में पीपल के साथ जाता है वो भी कौन से केस में ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा आसान था ठीक है मैम विच 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 का यूज नॉर्मली हम करते हैं एनिमल्स के साथ थिंग्स के साथ ये नॉन लिविंग थिंग्स की यहां पे बात हो रही है एनिमल्स हो जाए नॉन लिविंग थिंग्स हो जाए इनके साथ मोस्टली हम लोग विच का यूज करते हैं बट दिस रूल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन एज वेल कई बार विच का यूज हम लोग एक एक्सेप्शन केस में भी करते हैं ये जो एक्सेप्शन केस है ये बोलता है कि अगर आपके बीच में कहीं पे भी चॉइस वाला एलिमेंट आ जाए ह्यूमंस के केस में या फिर अगर आपके केस में कहीं पर भी आप सिलेक्शन का क्राइटेरिया डाल दे रहे हो तो भी हम लोग यहां पे विच का यूज करते हैं सेंटेंस में और विच हमारे क्वेश्चन में यू विल बी वेरी एस्टोनिश ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है दैट सारे रूल्स का माई बाप यानी कि अगर ये वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा तो आंख बंद करके हमको इतना पता है कि यह हर उस चीज के साथ जाएगा जो हम क्या कहते हैं इंग्लिश में फिक्स्ड या स्पेसिफिक मानी जाती है और यह भी हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के इसमें यूज किया जा सकता है एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली रिटर्न मान्या वेरी गुड और फिर आता है हुज किसका जैसे ये तो हुआ कौन है ना किसको कौन सा वाला ये वाला हुज किसका सेजल किसका बुक हुज बुक हुज बुक आर यू टॉकिंग अबाउट है ना तो ऐसे केसेस में जब हम पजेसिव मीनिंग देते हैं फॉर पीपल एनिमल्स यूजली तो हम पजेसिव केस में यूज करते हैं किसका हुज का ठीक है हाँ दात में भी एनिमल आएगा कब आएगा वो भी एक केस है सेजल मिनट पहले आप लोग इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर इसको लिखना चाहते हो आपने बना लिया आपने देख लिया तो हम प्रोसीड करें क्योंकि मेन तो हमें क्वेश्चन आंसर्स में इनको यूज करना है राइट right. हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा हम इन्हें क्वेश्चन आंसर्स में कैसे यूज करते हैं इज ए डन चिल्ड्रन एवरी नीति

हम यूज करते हैं वर्ब एंड एडजेक्टिव आफ्टर अ रेलेटिव प्रोनाउन विच अग्री टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ एन एंटीसीडेंट मोस्टली एंटीसीडेंट होता है एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और इसे हम किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के आगे यूज करते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वन डे आई मेट जॉन हुज कंपोज सॉन्ग्स आप किससे मिले जॉन से मिले और सॉन्ग्स भी किसने कंपोज किया है जॉन ने ही कंपोज किया है ना तो जॉन हमारे क्वेश्चन का अब क्या है सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट के लिए हमने हु का यूज किया मान लो आपको क्वेश्चन में यहां पे हुम दिया जाता तो क्या सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलता वन डे आई मेट जॉन हुम हैज कंपोज्ड जॉन हुम हैज कंपोज्ड आई मेट जॉन द सब्जेक्ट हु हैज कंपोज्ड जॉन हैज कंपोज्ड मेनी सॉन्ग्स एंड रोट मैनी स्क्रिप्ट तो आपके क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका काम है पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट कौन है अगर आपके क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो जॉन है ठीक है तो आपके क्वेश्चन में जो रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज करेंगे वो भी हम यूज करेंगे किसको हम यूज करेंगे हु को इज दैट क्लियर एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन Next question, humare paas hai ek statement. I want to see how many of you are getting this one correct. Go with it children, what should be the answer? I think I have got four answers correct, okay. And I have got around 16 answers wrong, 20 wrong, 21 wrong. Did you see that? Okay, I will give you another 10 seconds. Is it a no error sentence? ओके ओके, सो आई प्रोबली हैव कॉट मोर देन ट्वेंटी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी आंसर किया ही नहीं है आपके सामने एक पोल है प्लीज इस पोल का आंसर करिए ओके okay. प्लीज इस पोल का सारे लोग आंसर करिए सौम्या को नो एरर लग रहा है ओके okay. अभी भी चौदह ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया एक ट्राई करो यार छोड़ दो ट्राई करो ओके okay. ओके okay. चार करेक्ट है अभी तक फोर्टी सेवन रॉन्ग है अभी तक नॉट आंसर्ड अभी भी चौदह बच्चे हैं तेरह बच्चे हैं बारह बच्चे हैं प्लीज ट्राई प्लीज ट्राई मोर टेंट टू गो क्योंकि hmm. आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगी जहां पे आपको लगेगा मैम ये क्या हो गया हमारे साथ जीवन में सब तो सही चल रहा था अभी तक तो हमें लग रहा था मैम प्रोनाउन चैप्टर हलवा पूरी है अमित को भी नो no एरर लग रहा है ठीक है नौ बच्चे अभी बच्चे हैं वो जो नौ बच्चे बच्चे हैं सोचिए नब्बे बच्चों ने आंसर किया एक ट्राई कर लो यार ट्राई करने में क्या जाता है यहां एग्जाम में थोड़ी ना छह बच्चे बचे हैं नो no एरर होगा रिया अच्छा छह बच्चे बचे हैं थोड़ा कोशिश ही कर लो यार सही चलेगा मैं ही हूं यही करे कर दूंगी स्वप्निल आपको लग रहा है वहां नया आंसर आई अब मैं आपको एक बहुत प्यारा सा रूल बताती हूँ अभी तक चार राइट आंसर आए हैं फोर्टी नाइन रॉन्ग आंसर आए हैं और हमारे नॉट आंसर अभी भी छह बच्चे बचे हैं i you i i i kawne? yashima i am your english teacher yeah, i am your teacher for english subject i am your teacher i am very hard working i am very hard working when i say this guys वेन आई से दिस आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि आई के साथ हैव जाता है, हैज नहीं जाता उसी तरीके से आई हैव डन दिस मैंने ये क्लास पढ़ाई है या मैंने ये काम किया है आई के साथ हैव जाता है जब हम प्रोनाउन वर्ब में हैव जाता है जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं आई के साथ तो हम हमेशा उसको एम यूज करते हैं क्या यूज करते हैं एम का यूज करते हैं इट इज मी नहीं होगा मैं ही तो हूँ स्वप्निल मैं ही तो हूँ I he. It is I, it is I who am working day and night to get this project done. I up sentence ko I am working day and night to get this project done. Was it that difficult, children? Kritika, did you understand? जिन लोगों ने मतलब अराउंड फिफ्टी स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर दिया है तो जिन लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक थम्सअप करके फिटाक से बता दो कि मैम क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आई एम वर्किंग डे एंड नाइट टू गेट दिस प्रोजेक्ट डन क्वेश्चन क्लियर है क्योंकि अभी इस पर एक छोटा सा टेस्ट होगा इज इट डन आई थिंक आई एम सींग पीपल स्माइलिंग बिकॉज उन्हें भी लग रहा है ये हमसे क्या हो गया हाई तो हमें तो प्रोनाउन आता था, था। राइट right, कोई दिक्कत नहीं है है ना बहुत क्लियर है आइए चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अगर हम करेक्ट आंसर की तरफ जाएं तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पार्ट बी में है और इसकी जगह पे हम एम का यूज करेंगे सो आई एम श्योर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन में uh, मेरा सही था वही था वेरी गुड मनीष इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हैविंग सेट दिस एक सवाल को देखते हैं पहले एक्सप्लेनेशन देख लो वी मस्ट रिप्लेस इज विद एम In this part of the sentence, yad rakhega, kyunki first person singular I will always be followed by am. It will always be followed by am. Next question. Number 2. Let me see if you can answer this one. Try good. It is I, yadaya. It is I am, she, are, she is, you are, they are. Hamesha subjective case leta hai. To be form of verb, innah? mara. I killed. I work day and night. आई एम द सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में रहेंगे मिताली क्या होगा करेक्शन बता पाओगी कृतिका मनीष करेक्शन कोई बता पाएगा क्या नॉट answered अभी भी तीस बच्चे हैं ओके एम वेटिंग आई डोंट नो आंसर करो पहले अभी कम से कम ऐसे मुझे लग रहा है तेरह बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है अच्छा बाकी लोग प्लीज़ एक एक ट्राई और कर लो यार जिन्होंने नहीं किया है वो तेरह बच्चे प्लीज एक बार और ट्राई कर लीजिए ओके आई थिंक आई हैव रिसिड अ लॉट ऑफ आंसर्स ओके नॉट आंसर्ड अभी भी तेरह है जब तक आप लोग ये सोच रहे हो मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत बहुत हिंदी में समझा दूंगी सुनोगे एक चीज क्या बोला इट इज़ यू तुमने एकम्प्लिश किया है तुम्हारा टास्क तुम यू सेकेंड सब्जेक्ट तुमने अपना टास्क बहुत अच्छे से अकम्पलिश किया तो तुमने किसका टास्क किया है? खुद का टास्क किया हो ना सौम्या टास्क मिला था तुमने कंप्लीट कर लिया एक कर लिया गिवन टाइम से पहले तो मैंने आपकी वाहवाही करी मैंने कहा यार गजब तुमने अपना टास्क तो तुम अपना ही तो टास्क कंप्लीट कर रहे हो ना It is you, it is you who have accomplished your task before allotted time. You completed your task. Why will you complete his task? Technically, तुम्हे मैं इसलिए तारीफ कर रही हूँ क्योंकि तुमने अपना काम समय से पूरा कर लिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था आई होप आपने इंजॉय करा इस क्वेश्चन को लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द राइट आंसर नाउ रिमेंबर द प्रोनाउन यूज इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हिज इज रेफरिंग टू द प्रोनाउन यू और यू के लिए हमेशा योर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा लेट सी इफ यू कैन आंसर दिस वन गजब वेरी गुड आई थिंक मुझे काफी आंसर्स मिल गए हैं uh, आप में से कुछ बच्चे थोड़ा सा इसको ना गलत तरीके से कॉन्टेक्स्ट में ही ले रहे हैं मैं आपको बहुत सिंपल से एक तरीका समझाऊं बेटा एक चीज देखोगे एक बच्चे ने अभी बोला मैम यहाँ पे हु लिव्स इन डेली लिख दो ना अच्छा चलो लिख भी दें तो दोबारा ये हु क्यों आ रहा है हु चलो तुम्हारी मान के मैंने लिख भी दिया तो आप देखो मोहन हु इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स लिव्स इन डेली एंड रॉन्स अ शॉप मोहन के लिए प्रोनाउन आ गया तुम्हें दोबारा एक और प्रोनाउन देने की जरूरत नहीं है मोहन भी तो अरे भी तो कोई नहीं तो प्रोनाउन ही तो है फिर चाहे आप सर स्क्रीन हु कोई नहीं तो आपका प्रोनाउन ही तो है ये yes सोनू no? तो अगर मोहन प्रोनाउन है तो ही का यूज़ तो रिडंडेंट हुआ ना इधर विच वे Yes or no? so Mohan who Who is one of my best friends lives in Delhi. Who, क्यों जाएगा दोबारा जिन लोगों ने हू बोला अब आपको क्लियर हुआ आपसे कहाँ गलती हो गई मुझे थर्टी थ्री बिल्कुल on पॉइंट answers आए हैं तीन बच्चों ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है तीन बच्चों के आंसर बिल्कुल आप टाइम पर आए और 28 अभी भी गलत है बापरे आइए चलिए आई होप यू है एक ट्राई और करते आई कैन सी यू कैन गेट डिस कड नॉट लेट्स नॉट आंसर्ड अभी भी सोलह है मुझे नहीं समझ पा रहा आप लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हो यार गलत होगा छोड़ो ना मेरे पे छोड़ो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझाया था और अभी आप लोगों ने फिर वही गलती करी मैंने बोला अगर आई के बाद कोई वर्ब है तो वो हैव होता है क्योंकि आई हैज़ तो होता ही नहीं है आपने कभी सुना आई हैज होता है नहीं होता ना आई हैव होता है और अगर आई के बाद कोई प्रोनाउन होता है तो वो एम होता है है ना i is कभी सुना है आपने i is very good नहीं ये भी नहीं होता ये होता है और हमारे क्वेश्चन में यहाँ हैज है हमारे क्वेश्चन में विवेक यहाँ पर क्या यूज हो रहा है हैज हो रहा है अगर उस कॉन्टेक्स्ट पे जाएं तो i am one of the politicians of this town i am the subject सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु i am one of the politicians who has who have been have been running an ngo since 2014 ab bhuloge ise meko ya naa mein jawab do bhuloge ise i have i am that's the only construction that is used correctly in grammar apart from that you can use nothing is that understood children is that understood so, I presume that most of you have understood this, but it is ki that it is wrong. No, geto delete. Or hai. 41 answers wrong. Hai. 41 answers wrong. Hai na ji? Aai. Next question. Now, the solution is given. Remember, I and the helping verb used in this part of the sentence is has, which is wrong. We will I, if first. पर्सन प्रोनाउन है तो इट इज यूज एजेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड करेक्ट आंसर यूज होगा कंस्ट्रक्शन आर एंजॉय प्लीज मेक श्योर टू शेयर द एप्लीकेशन क्यों नहीं आया एंड के बाद वोविल क्यों नहीं आया वोविल साउंड रहा होगा वोविल साउंड भी तो चलता है ना प्रियंका अब हमारे दूसरे सेक्शन में हु खत्म हो गया ठीक है अब हम आगे हुम पे हुम किसके लिए जाएगा मैम नो हम यूज करते हैं हुम का ऑब्जेक्ट्स के लिए ठीक है ओके द स्टूडेंट्स हु आई टीच या फिर हुम आई टीच आर वेरी वेरी स्टबन। नाउ व्हाट इज द राइट वन हु या फिर हुम? आई एन एक साथ हाँ आता है हु माई टीच होगा ना नाउ आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर अगर आपने ये राइट आंसर दिया है तो ये सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मे बी आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर हमारे को पहले झलक में तो स्टूडेंट दिख रहे हैं तो हमने इनको सोचा पहले सब्जेक्ट बना ले लेकिन हमने देखा कि मैम आई टीच जिन्हें हम पढ़ाते हैं तो हमें लगा ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं हम पढ़ाते हैं ना होम आई टीच तो हम हो गए सब्जेक्ट हम किसको पढ़ाते हैं हुम डू आई टीच द स्टूडेंट आप मेरे क्वेश्चन में एक्चुअली ऑब्जेक्ट हो इसीलिए हम आपके लिए हु का यूज नहीं कर सकते हम किसका यूज करेंगे आपके लिए क्वेश्चन में हुम का यूज करेंगे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा स्टूडेंट्स हुई टीच आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट अब आपको हूम का यूज आई एम प्रोर क्लियर हो गया है फिर भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हमने बोला आई मेट अ सोल्जर सोल्जर से कौन मिला हम ना आई एम दब्जेक्ट दोल्जर हुम आई हैव गिवेन अल टू रीड मैंने नॉवल किस को दिया है सोल्जर को तो सोल्जर कौन हो गया ऑब्जेक्ट What did you give him? Whom I have given a novel to read. वो ऑब्जेक्ट है आपके क्वेश्चन में Is that okay? But ma'am, main तो अब क्वेश्चन है Let's see कि हमें आता है कि नहीं आइए चलिए ट्राई करिए आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे अगर एरर है तो कहाँ पे है देखो Not आंसर अभी भी पंद्रह बच्चे हैं चौदह बच्चे हैं तेरह बच्चे हैं बारह बच्चे हैं ग्यारह बच्चे हैं और हमें जहां तक लग रहा है कि काफी आंसर आपने ट्राई कर लिए अच्छा था <laughs> देखो एक क्वेश्चन एक बार बताओ मोहन एक सोल्जर है एक बार को देख के लगा कि मोहन जो है वो सब्जेक्ट है लगा सो मोहन द सोल्जर हुम एवरी वन लवस एवरी वन लवस आपके क्वेश्चन का आंसर एवरी वन इज द सब्जेक्ट नाउ एवरी वन किसे प्यार करते हैं दे लव हुम देखो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन का आंसर हुम है ऑटोमेटिकली बोल के भी पढ़ोगे तो भी निकलेगा एक ही एवरी वन लवस होम थर्टी वन स्टूडेंट का गलत आंसर है हार्ट अटैक दे दो मैम मैम यही बिछाती पीट पीट के मैम यही मर जाए तुम लोगों के साथ पढ़ना नहीं है लेकिन ना पढ़ना नहीं है मोहन द सोल्जर हुम एवरी वन लवस एवरी वन लव्स होम हाँ बिल्कुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट हैज फॉट मेनी वॉर्स फॉर द नेशन इफ आई सी इन दैट रेस्पेक्ट मुझे जो लग रहा है मेरे क्वेश्चन का आंसर नो एरर है एब्सोल्यूटली परफेक्ट नो एर ही होगा और मुझे तेईस बच्चे चौबीस बच्चों के आंसर ठीक लगभग ठीक है थर्टी फाइव स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है सात ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया बारह लोगों ने उसको डिलीट में डाल दिया और कंफ्यूजन में स्किप कर दिया बहुत सारे लोगों ने बहुत खूब बहुत खूब आइए एक और ट्राई करते हैं याद रखिएगा मोहन सोल्जर एंड एवरी वन एंड प्रेडिकेट देखिएगा इस सेंटेंस में पहले दो सब्जेक्ट है मोहन जुद्धा सोल्जर एंड एवरी वन

गलत सही जो करो मेरे सामने करके जाओ अमित देखो अब मैं तुम्हें तो जब बताऊंगी ना तो सर फोड़ लोगे तुम अपना आई थिंक आई हैव गॉट आंसर जिसमें से मुझे ट्वेंटी सेवन राइट मिले हैं फोर्टी थ्री रॉन्ग है एक चीज बताओ इधर देखो जॉन कीट्स इज अ पोइट अभी तक तो ये सब्जेक्ट है अगर ये फुल स्टॉप होता तो जॉन कीट्स के बारे में बात हो रहा है पोइट फिर लिखा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे यहां लिखा है जिसके बारे में सब पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द सेंशियसनेस जो सेंशियसनेस को समझने के लिए लोग पढ़ते हैं जिनके बारे में हैज कंपोज मैनी ओड्स तो हैज कंपोज ओड्स अभी तक तो लग रहा था हू होना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में तो हम जॉन कीट्स की ही बात कर रहे हैं हम तो जॉन कीट्स की ही बात कर रहे हैं ना तो हिसाब से तो हमको लग रहा है जॉन कीट्स हु रीड्स टू अंडरस्टैंड हैज जॉन कीट्स हैज ओड्स ना हु हैज कम्पोज जॉन कीट्स जिनकी किताबें लोग पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन में तो प्रेडिकेट में जिसने कंपोज किया हम तो उसी के बारे में बात करेंगे ना तो कंपोज किया जॉन कीट्स ने

इस क्वेश्चन के दो, दो प्रेडिक, इसका प्रेडिकेट एक बार मोहन को भी सब्जेक्ट रखा गया था और द सोल्जर एंड एवरी वन को भी सब्जेक्ट रखा गया था मोहन द सोल्जर और एवरी वन ये दोनों के दोनों हमारे क्वेश्चन के पहले वाले सेंस में सब्जेक्ट थे जो प्रेडिकेट है सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जहां लिखा है नी वॉर्स फॉर द नेशन एंड लवस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट उसके दो स्ट्रक्चर बने ठीक है ठीक है तो उसमें दो लोगों के सब्जेक्ट देखो मोहन का सब्जेक्ट था कि उसने बहुत सारे वॉर्स लड़े और जो दूसरा सब्जेक्ट है एवरी वन एवरी वन लवस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट ठीक है अब यहां पर दे आर अवेलेबल एंड हुआ ऑब्जेक्टिव रेलेटिव प्रोनाउन वर्किंग एज अ कंजंक्शन इस क्वेश्चन में हुम एक ऐसा प्रोनाउन था जो कंजंक्शन का काम कर रहा था ठीक है दैट पर्सन इज बींग लव एवरी वन इसलिए वो हुम हो गया यहाँ पर हमने उसको कंजंक्शन ट्रीट ही कहाँ किया हमने सीधा बोला जॉन कीट्स को लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो सेंशियस होना चाहते हैं ठीक है लेकिन एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो जॉन कीट्स है जो कि कंपोज करा यहां पे वो कंजंक्शन कहाँ गया यहां पे तो वो सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस में चलते आधे आधे चलते चलते दोनों सब्जेक्ट थे दोनों के प्रेडिकेट थे बट वो हो गया में कन्वर्ट इस वाले में जॉन कीट्स को ही लोग पढ़ते हैं और जॉन कीट्स ने ही कंपोज करे हैं बहुत सारे ओड्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक आंसर है एंड इट हैज बी बी क्योंकि उनके दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और हूं कहा एक साथ आ रहा है बच्चा यहां हूं की जगह पे हम हु का यूज करेंगे समझ आया एक अच्छा एक काम करते हैं एक और ट्राई करो आप लोग अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मैं अभी विच के बाद आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूंगी डोंट वरी विच का यूज मैं आपको जो सिखा रही हूं वो सीखना ठीक है पहले मैं जो बता रही हूं उस पर सारे बच्चे प्लीज ध्यान दीजिए एक आपके पास ये वाला है ठीक है ओके एक और बनाते हैं एक और है Okay, let's make this a bit bigger and I'll make another one which will be even bigger than this. Okay, so I have basically three squares in front of you of different shapes. Now, having said all of this, I have made this of orange color. I'll have to put the marker. I have made this in orange color. I made another one with green. You people, by that time, I am colouring the page. Yeah, we ye colour, please aap log favorite color choose your favourite colour. This is the best way to because if this is sorted, I don't think so, if ever, like ever you will feel a problem. And then the last one should be sky blue. So, this ASMR like ASMR video, lagta hai, but I am not following all the rules and regulations of the video though. आई थिंक गॉट इट करेक्ट नहीं भी हो रहा है यार तो ध्यान से अब बस देख लो दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी डिड यू ऑल सेलेक्ट योर योर फेवरेट वन यू फेल्ड ब्लू इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ग्रीन भी तो अच्छा लग रहा है आई शुड मेड अ येलो एंड पर्पल ऑल्सो सो विच इज योअर फेवरेट वन मैंने आपसे सवाल में ही आंसर पूछ दिया मैंने पूछा विच इज योर फेवरेट One. सवाल है इज योर फेवरेट आपने आंसर दिया सी तो आप लोगों ने बोला मैम वन वन वो वाला वो वाला वो वाला है ना ऐसे होता है था ना स्कूल में मैंने आप लोगों को अभी फिलहाल इन तीन के बीच में करने को बोला एक सिलेक्शन तो जब हम किसी को सिलेक्शन करने को बोलते हैं या सिलेक्शन या चॉइस का क्राइटेरिया आता है है ना उसको हम कहते हैं विच ठीक है अगर यहीं पर हम बोल दे स्पेसिफिकली मुझे बी अच्छा लग रहा है तब हम यहां पर बोलेंगे कि यहां पर बी दैट वन मैम आई वॉन्ट टू टेक दैट दैट वन ब्लू कलर और दैट ग्रीन कलर और दैट ऑरेंज कलर बस इतना ही है ठीक है सो आई एम श्योर दैट इफ यू हैव अंडरस्टूड द डायग्राम बाय द वे राइट सो मोहन बॉट अ न्यू कार विच इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सब्जेक्टिव केसेस में नॉन लिविंग के लिए विच का यूज हम करते हैं क्योंकि हु और हुम सिर्फ पर्सन के लिए जाता है सिर्फ पर्सन होम के लिए जा ही नहीं सकता फार्मर्स आर यूजिंग एक्सक्रीटा विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द क्रॉप ये भी एक्सक्रीटा विच प्रोवाइड ठीक है आई बॉट अ मोस्ट रीडेबल नॉवल टू स्टेट्स विच आई रेड थ्री टाइम्स ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन में दोनों हो सकते हैं बट फिलहाल याद रखने के लिए तुम सिलेक्शन और चॉइस का क्राइटेरिया हमेशा दिमाग में रखना वैन आई से दैट आप मुझे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में एरर है और अगर है तो कहाँ है और नहीं है तो कहाँ नहीं है इज इट आई हैव कॉट एट इन करेक्ट फोर करेक्ट क्विकली क्विकली चिल्ड्रन मनीष अब आपको समझ में आया मैंने क्यों बोला था ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच रहे थे उनसे ज्यादा पता है इतना ज्यादा टाइम अगर हम यूट्यूब पे देंगे ना ऐसे वाले सेशन में तो आप लोग बोलोगे अरे मैम इतना बेसिक पढ़ा रहे हो है ना इस वजह से इसको ऐप पे हमें करना पड़ा बट मुझे अब लग रहा है कि अगर मैंने ये यूट्यूब पे किया होता तो आप लोग ज्यादा एंजॉय करते आइए माई फ्रेंड ठीक है

मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि कुछ चीजें हमेशा पेयर में होती हैं और जो भी चीजें पेयर में होती हैं उनके साथ हम हमेशा प्लूरल का यूज करते हैं a pair of trousers है, a pair of jeans है, नॉट बट ओके फाइन टेक्निकली आप सब लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि आप लोगों का ध्यान तो विच पे था अगला सवाल ये रहा सो द ट्राउजर्स सी आई हैव गिवन यू आर यूजिंग इट फॉर द नाउन जींस एंड हेंस की जगह वेयर का यूज होगा आई जस्ट गिव इट टू ट्राई बट इट्स ओके तुम लोग मुझे डिसअपॉइंट कर दिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गिव इट ट्राई सी इफ यू कैन आंसर दिस वन गाइस हैरान परेशान नहीं कृतिका रोना नहीं बच्चा रोना नहीं अगर तुम लोग आंसर जानना चाहते हो तो एक बार जल्दी से ठीक है एक बार जल्दी से सारे के सारे लोग थम्सअप और हार्ट भेज दो तो बुद्धि भ्रष्ट सुने भ्रष्ट तुम लोगों के साथ आज वही हुआ है आओ बिटवा आओ आओ आप बोलोगे मैम हम ही गधे हम ही गधे मैम आई हैव रेड तुमने क्या रीड करा तुमने एक किताब पढ़ी तुमने एक चीज नोटिस नहीं करा कि यहां पे सेकंड वाले में हु लिखा था हु हमेशा बेटा पर्सन के लिए जाता है कुबला खान इज द नेम ऑफ द बुक तो क्या बुक के लिए हम हु का यूज कर सकते हैं वहां में विच यूज करना चाहिए था ना यहाँ हुम होना चाहिए जी नहीं जी नहीं बेटा जी नहीं यहां पर आपका सेंटेंस होना चाहिए था आई हैव रेड वॉट वॉट डिड यू रीड आई रेड कुबला खान आई रेड कुबला खान ठीक है सैम्यूल कुबला खान बाई सैम्यूल टेलर कोलेरिज ठीक है कुलैरिज हु Was one of the romantic poets. Who was the poet? Who was the poet? Samuel Taylor Coleridge. Who was the poet? इस क्वेश्चन में ही आंसर था आपको सिर्फ इसको देखकर हिंट आइडेंटिफाई कर लेना था हुट कभी भी नॉन लिविंग थिंग हो ही नहीं सकता यहां पर कुबला खान इज द नेम ऑफ द बुक और हमने पहले ही आज एकदम क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि हु और हुम का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए करते हैं तो यहां पर कैसे हो जाएगा हम बोलेंगे आई हैव रेड कुबला खान मैंने पढ़ा कुबला खान जो एक किताब है बाई सैम्यूल टेलर कॉलरिज हु वॉज वन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा एक और ट्राई करोगे सो आई गोट फिफ्टी सिक्स रॉन्ग सेवन तो स्किप बाकी तो छोड़ ही दो <laughs> एक और ट्राई करते हैं So I hope you have understood, right? Kubla Khan by Samuel Taylor Coleridge. Let us come to the next question. Let's see if you can answer this one. Hey Bhagwan! we have editorial. We have 10 Who was one of the romantic poets, Mania? Out of the many romantic poets, he was one of them. I think, मैं तो सिर्फ आप लोगों को पीएचडी करा रही हूं एक एक चैप्टर पर यह भी मैंने बहुत बेसिक ही लिया है और भी चीजें थी बट ये यूट्यूब कराना बड़ा डिफिकल्ट है यार तुम लोग चाहते हो यूट्यूब पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए फिर भी तुम लोग प्रैक्टिस सेशन में नहीं आ रहे हो ये सही है फाइनली अच्छा ऐसा रे फटाक से सही आया इट इज डिफिकल्ट टू से बेटर हु इज द बेटर यहां पे लिखा है हु इज द बेटर ओके दोनों पॉलिटिशियंस में से आपको चूज करना है पॉलिटिशियन ए और पॉलिटिशियन बी में से आप लोग तो एक जन को चूज करोगे तो जब हम दो लोगों के बीच में सिलेक्शन करते हैं तब हम वहां पर हमेशा विच का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं विच का हम कभी हु का यूज करते ही नहीं हम क्या बोलेंगे ये सुनने में बहुत गंदा लगता है इंग्लिश में कि ये कैसा सेंटेंस है लेकिन यही सही है इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज़ द बेटर ऑफ द टू पॉलिटिशियंस एंड यस आप में से कोई भी गलत नहीं है आप सब बिल्कुल करेक्ट हैं तो जब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो जो इसमें अभी भी छह लोगों ने नहीं करा हम आपको इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं एंड द आंसर इज गोइंग टू बी विच्सो यू हैथ सर्टन रेस्ट्रिक्टिव एंड नॉन सॉरी रेस्ट्रिक्टिव एंड नॉन डिफाइनिंग के लिए भी हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं देखो एक चीज हमेशा याद रखेगा रेस्ट्रिक्टिव जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो लिमिट करते हैं रेस्ट्रिक्ट करते हैं जैसे माई ब्रदर हुई गॉन टू मथुरा आई हैव ओनली वन ब्रदर ठीक है माई ब्रदर हू इज अ डॉक्टर अगर आप लिखते आई हैव टू ब्रदर्स वन ऑफ डेम इज अ डॉक्टर तब आपके सेंटेंस में वो करेक्ट इंफॉर्मेशन होता बट इस केस में माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हम बोल रहे हैं ना ठीक है तो यहां पर हम इस सेंटेंस से पता है क्या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि लिमिट है मेरा एक ही भाई है मेरे दो भाई नहीं है वैसे तो ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूं कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसे माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू मथुरा माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर एक इंफॉर्मेशन हैज गॉन टू मथुरा अनदर इंफॉर्मेशन कई बार हम एक ही सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं ठीक है इज़ नॉट क्लियर तो निहा पहले तो आप हमारी क्लासेस बेटा रजिस्टर कर लिया करो और आपको एक्सप्लोर करो उसके तीन सेग्रीगेशनस हैं आप अपने टेस्ट को क्रिएट कर सकते हो हमारी क्लासेस की वीडियोज़ पढ़े हैं उनको पढ़ सकते हो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं हजारों ठीक है आकाश कोई बात नहीं ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिया है ऐसे में मैं चाहती हूँ कि आप एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए कैन यू ऑल टेल मी वॉट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड लेट इस मेक दिस क्वेश्चन योर होम फॉर टुडे दिस इज योर होमवर्क प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट इसको प्लीज कॉमेंट सेक्शन में करना आंसर अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर कितने टाइप्स आपको पढ़ा दिए कोई बताएगा अगर हम हिसाब से देखें तो मैम आपने फर्स्ट क्लास में हमें पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था कल हमने रिलेटिव फिनिश कर लिया आज हम इन चार सेगमेंट्स को पढ़ेंगे आप लोग तैयार हैं मैं कुछ सुधार करिए प्लीज अरे हिमांशु पक्का रिकॉर्डेड क्लासेस में हम सुधार करेंगे बिल्कुल करेंगे पहले आप लोग मुझे इतना बता दो कि आप लोग इन चार को पढ़ने के लिए तैयार हो अगर आप लोग तैयार हो तो चलो देखा जाए कि आज आपको हम इस क्लास को कैसे लेके चलेंगे देखो इसमें से मैं आप लोगों को रेस एक्सक्लेमेटरी तो वैसे भी नहीं पढ़ाती डिस्ट्रीब्यूटिव रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट इससे एक ही रूल आता है तो खैर ये मैं आपको बाद में समझा दूंगी इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर भी हम अलग से एक क्लास करेंगे ठीक है सो आई एम श्योर एवरी तैयार

आइए पहले देखिए परफॉर्म कैसा करते हो सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन एंड हम लोग ये देखेंगे अंशुमान कि आप लोग कैसे करोगे इसे सॉल्व आज अभी भी वीडियो रुक रही है बेटा आज तो ठीक चल रही है यार अभी तो एकदम सही है एकदम तैयार ना मंजू चलो पहला सवाल आप ट्राई करो और बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा सपना कोशिश करो ठीक है अब आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया मैंने आपसे सिंपल सी चीज पूछी थी कि आउट ऑफ द गिवन टॉपिक्स ही मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी लिखा हुआ है लास्ट ईयर ही वेंट टू स्टैनफोर्ड ओके लास्ट ईयर ही वेंट देखो यहाँ पे वेंट वी टू फॉर्म है करेक्ट है ना हाँ मैम कैसे पता चला मैम ये करेक्ट है हमें क्योंकि देखो लास्ट ईयर हुआ है ये टाइम मैंशन है और जब भी हमारे क्वेश्चन में टाइम को मैंशन कर दिया जाता है हम हमेशा क्या करते हैं वी टू लेते हैं लास्ट ईयर ही वेंट टू स्ट्रैटफर्ड ऑन एवन एट हिज अंकल्स विलेज He went uh, to Stratford on Avon, कहाँ है ये एट his अंकल्स village, एंड ही enjoyed वेरी मच there. ठीक है यहाँ पर वेरी मच देर और उसने वहां पर खुद को बहुत ज्यादा एंजॉय करा ठीक है एंड एंजॉयड लिखा है अब आप लोगों को एक चीज बता दें जो एंजॉय एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है अब आप बोलोगे मैम ये होता क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही नहीं पता अभी तो एंजॉय बोलता है कि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि हिम के साथ सेल्फ लग जाएगा ठीक है देम के साथ सेल्फ लग जाएगा themselves, ठीक है एस ई एल वी ई एस अगर इस तरीके से आपको सेल्फ आई माई सेल्फ हिम सेल्फ ह सेल्फ अगर आप लोगों को ऐसे सेल्फ जुड़ जाते वाले वर्ड्स मिल जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए

पहले आंसर देख लेते हैं बिल्कुल करेक्ट हो आप सब लोग जिन लोगों ने राइट दिया उनको पता होगा कि आपको हिमसेल्फ का इस्तेमाल करना है आफ्टर द वर्ब एंजॉय क्यों मैं अभी बताऊंगी वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर सर्टन ट्रांजिटिव वर्ब्स नाउ हियर इज द कैच अब बोला जा रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हम यूज कर सकते हैं एक छोटा सा क्लास लिया था इसके ऊपर वर ट्रांटिवर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स इंग्लिश में ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ ही बैठता है ऑब्जेक्ट को कल खोजने के दो तरीके सिखाए थे या तो ये व्हाट का आंसर देता है और या तो ये होम का आंसर देता है क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे शी लाफ्ट एट दैगा इस क्वेश्चन में ठीक है और दूसरा है शी Laughed in her room. आप मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में कोई ट्रांजिटिव वर्ड है या सेकेंड वाले में है कोई बताएगा एनी वन मेरी वीडियो विशाल नहीं चल रही है वीडियो तो बेटा ही बिल्कुल परफेक्ट चल रही है ऑल आई कैन सी इज माई वीडियो इज परफेक्ट अगर लैक कर रहा है ना तो एक बार आगे ले जाओ ना खींच कर बेटा ठीक है मुझे क्या आंसर मिल सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाला ट्रांसिटिव है और कौन सा नहीं है पहले इस सवाल का जवाब दो नीति कह रही मैम फर्स्ट वाला ट्रांसिटिव है ठीक है और बाकी सारे लोगों को क्या लग रहा है कौन सा ट्रांसिटिव है इज इट डन इज इट डन आइए चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे लिखा हुआ है शी शी आपके क्वेश्चन का कौन है सब्जेक्ट She laughed लिखा है laughed हमारे क्वेश्चन का क्या है वर्ब है She laughed at whom? आपके क्वेश्चन में whom का आंसर देना पड़ेगा ना आंसर तो देना पड़ेगा ना और वो whom कौन है बेगर इसका मतलब बेगर मेरे क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट है तो आपको ये पता चल गया कि ये जो वर्ब हमारे क्वेश्चन में laughed है ये ट्रांजिटिव वर्ब है ठीक है दूसरे में लिखा है शी आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट है लाफ्ट आपके क्वेश्चन का वर्ब है लेकिन शी लाफ्ट वेर ये तो वेर का आंसर दे रहा है ना इन हर होम इन हर रूम तो वेर का आंसर दे रहा है ना तो वॉट है ना तो whom है इसका मतलब ये मेरे क्वेश्चन में बन रहा है क्या इन ट्रांजिटिव वर्ब तो मेरे बच्चे बोलेंगे मैम हमें ये आता है आप सब बोलोगे कि मैम हमको ट्रांजिटिव वर्ब पता है अब मैं आपको बताती हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है अगर ये आपके सामने एक छोटा सा मिरर है ठीक है तो यहाँ पे जो पॉलिश सरफेस होती है इस पे हमेशा हमें हमारी इमेज दिखती है अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप मिरर में यहाँ पर अपनी इमेज को बनता हुआ देख पाओगे ठीक है आप यहाँ पे क्लियरली अपनी इमेज को बनता हुआ देख पाते हो इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं और रिफ्लेक्शन बहुत आसान तरीके से समझाया जा सकता है आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ दिस इज अ मिरर ठीक है इस मिरर के सामने मैंने एक पेन को रखा हुआ है क्या आप इस पेन को देख पा रहे हो या मेरे हाथ को आप लोग इस पेन और मेरे हाथ को देख पा रहे हो ना आप बोलोगे हाँ मैम बहुत आसानी से देख पा रहे मैंने कहा बेटा एक काम करो मैंने पेन हटा दिया मैंने बोला बेटा मैंने आपके हाथ से पेन हटा दिया ठीक है और जैसे ही मैंने पेन हटाया आपको ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो गया अब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है नथिंग ऐसे केसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स फ्रॉम द वर्ड रिफ्लेक्शन इफ यू कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगा अगर तुम ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हो तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा इसी से आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन राइट और इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी वजह से ऑब्जेक्ट के साथ ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बिठाया भी जाता है ऑब्जेक्ट के बिना आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं देख पाओगे समझ में आया चंदन सौरभ आपको समझ में आया अब देखो इसका तरीका क्या था अब अगर मैंने आपसे बोला होता कि बेटा अगर ऐसा केस है तो इंजॉय ऑब्जेक्ट ही लेगा ये कैसे पता चला तो मैंने आपसे कहा एक काम करो क्वेश्चन को वापस से पढ़ो लास्ट ईयर ही वेंट टू स्ट्रैटफर्ड एट इज विलेज एंड एंजॉयड एंजॉय उसने किसके साथ एंजॉय किया जहां पर भी तुम विथ होम का या फिर होम का आंसर देते हो तब हम वहां पर इसका यूज करते हैं समझ आया अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करिए सेकेंड वाले का एंड टेल मी वॉट इज द आंसर नहीं मनीष ये हम सारी फैकल्टीज के लिए होता है फाउंडेशन भी होता है ब्लश भी होता है लेकिन हम यूज़ नहीं करते ज़रूरत नहीं पड़ती हमें क्वेश्चन ये रहा अच्छा गलती से मैं पीछे ले गई थी ना आपको कोई बात नहीं ये रहा क्वेश्चन गौरव वेरी गुड अगर करेक्ट बेटा वेरी गुड गलत हो गया कृतिका भावना नीति पोल में आंसर कर पा रहे हो बेटा शुभ लक्ष्मी स्टूडेंट मिताली गजब यार मजा आ गया सुनो एक इसको करने का तरीका देखो क्या था वेर एवर इंडियंस गो इंडियंस जहां भी जाते हैं दे एडोप्ट देप्ट हुम वो किसको अडेप्ट कर लेते हैं देखो बीच में एक होम मिसिंग था ना दे एडेप्ट हुम

ठीक है अगर ये क्वेश्चन भी आपको कुछ हद तक क्लियर है यहाँ डेमसेस का यूज होगा तो एक आखिरी क्वेश्चन इससे देख लेते हैं या फिर एक काम करते इसको स्किप करते हैं सो दैट वी कैन सी एन एग्जाम्पल अब मैं आप लोगों को दो टाइप के प्रोनाउन पढ़ाऊंगी सबसे पहला होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूसरा होगा एम्फेटिक एक्चुअली ये दोनों प्रोनाउन दिखने में बिल्कुल सेम है जैसे माई सेल्फ माई सेल्फ अगर मेरे क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव है तो एम्पैथिक भी है उसी तरीके से हर सेल्फ अगर मेरे क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव है तो एम्फैथिक भी है ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो दिखने में बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर ठीक है तो हम इनको पहचानेंगे कैसे हिमांशु तुम्हारा सवाल है तो भैया इसका जवाब होना चाहिए भाई कुछ एग्जाम्पल्स एक साथ आप लोगों के चेक करते हैं लेट्स सी देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फैथिक प्रोनाउंस ये दोनों होते हैं माई सेल्फ आवर सेल्फ योर सेल्फ या योर सेल्फ डिपेंडिंग अपॉन हिमसेल्फ herself, oneself, वन or itself। आप बोलोगे मैम ये तो पढ़ाना बहुत ईजी है ये तो हम समझ गए मैम आप हमको ये बता दो कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कैसे हमको तो मेन एरर करेक्शन करना है ना और मैम यही वो एरर है जो हमें नहीं मिलता हम बाकी सारे एरर खोज लेते हैं इसको छोड़कर ये नहीं मिलता हमको ऐसा होता है ना देखो अगर मैं स्टार्ट करूं तो एम्फैटिक प्रोनाउंस वो टाइप के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जहां पे हम लोग एम्फोसाइज करते हैं नो लेट मी टेक इट वेरी सिंपल सर कैन यू प्लीज क्रॉस द स्लाइड आई कैन नॉट सी माई सेल्फ हाँ जी ये वो वाले हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जहां पे हम खुद पे एम्फोसाइज करते हैं जब जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखती हूं मेरे पास ऐसा होता है ना आप लोगों ने डी आई वाई वीडियो यार डी आई वाई वीडियो डू इट योर सेल्फ लोग अपने घर में ही खुद से कबर्ड बना रहे हैं लोग पैसा बचाने के लिए यू you नो know, वो लोग अपने घर में अपने आप ही आ, गार्डन बना दे रहे हैं ऐसा नोटिस किया होगा हो आप लोगों ने राइट सर चार्ट रिफ्रेश कर दीजिए अटक गया पिछले पांच मिनट से राइट सो ऐसे केसेस में जब हम लोग जब भी किसी तरीके के डीआईवाई वीडियोस देखते हैं वहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे वो व्यक्ति, वो व्यक्ति काम खुद कर रहा है जैसे मान लो मुझे अब ये पेंट करना होगा तो ये मेरा डीआईवाई वीडियो है क्योंकि भैया मैं ये काम खुद करूंगी खुद खुद है ना सो आई विल डू इट माई सेल्फ ऐसा होता है ना फाइव मिनट क्राफ्ट वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा ये सखिल अब सिंपल सा चीज समझो मैं चिल्ला चिल्ला के थक गई और मैंने एक ही चीज बार बार दोहराई कि बेटा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था ठीक है सॉरी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे क्वेश्चन में हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है है ना तभी तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिठाएंगे लेकिन एम्फैथिक ऐसा नहीं है एम्फैथिक बोल रहा है जो काम कर रहा है उसके बगल में रखो एम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा डायरेक्टली सब्जेक्ट के बगल में आता है इन दोनों को पहचानना बहुत आसान है अगर सब्जेक्ट को एम्फोसाइज कर रहे हो तो एम्फेटिक अगर वर्ब के बगल में आता है तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जैसे house. पेंटेड themselves painted पेंटेड the house. They themselves painted the house. उन्होंने खुद से हाउस पेंट करा दे सब्जेक्ट दे डेम सेल्व इट अब यहां पर कोई वर्ब नहीं है सब्जेक्ट ने खुद ही यह काम किया है सब्जेक्ट अपने ही काम को एम्फसाइज कर रहा है तो यह एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है जैसे आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ यानी कि मैं खुद अपना घर बनाऊंगा ठीक है वी विल वॉच द शो आवर हम शो खुद देखेंगे You yourself can tell us about the situation. अब देखो यहां पर आप लोगों को क्या क्या समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में यू के बाद योर सेल्फ है यह आपके क्वेश्चन का एम्फेटिक प्रोनाउन है ठीक है? प्रेसिडेंट हिमसेल्फ ठीक है हमने किसको देखा वी सॉ हूम वी सॉ द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ यह हिमसेल्फ कौन है प्रेसिडेंट एम्फेटिक प्रोनाउन शी हर सेल्फ उसने खुद ही

तुम सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में जा, समझ आओगे कि यहां पे हम खुद पे एम्फोसाइज कर रहे हैं या मेरे टास्क पे एम्फोसाइज कर रहे हैं आई रोट द लेटर माई सेल्फ या आई माई सेल्फ रोट द लेटर मीनिंग सेम है आई आई विल एक साथ नहीं लगता इसीलिए वहां पे जो माई सेल्फ वर्ड है वो दूर चला गया बेटा आई माई सेल्फ आई इट्स ओके समझ में आया हिमांशु की इसका प्लेसमेंट क्यों चेंज था आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ सेम मीनिंग है डेरिवेशन सेम है आपको सिर्फ इसके कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है सेम प्रॉब्लम नहीं थी आई माई सेल्फ विल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आई और माई सेल्फ एक साथ नहीं बैठ सकते बस वो वाला ग्रामर गलत है अदरवाइज सेंटेंस का मीनिंग सेम है समझ में आया इज दैट क्लियर ऑर्डर नहीं नहीं होगा था नहीं अगर सेंटेंस का इंप्लीकेशन सेम है जैसे जो नीति बोल रही है वो गलत है क्योंकि आई के साथ माई सेल्फ नहीं लगा सकते पेपर माइ से हाँ ये लिख सकते हो मनीष टू समरस्टैंड जहां पर भी हो किसी भी कर रहे हो या इम्पैक्ट डाल रहे हो तो वहां पर आप एम्फरसाइज का वर्ड आप एम्फेटिक प्रोनाउन यूज कर सकते हो अब मैं इसको एक तरीके से समझा देती हूं सुनो ये एक ऐसा प्रोनाउन है दैट विल रेफर बैक टू दब्जेक्ट ओके वी हर्ट आवर सेल्व ये सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है मैंने जो समझाने की कोशिश करी वो देखो वी कौन है आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट है हमने हर्ट करा अगर हम बोलते वी हर्ट देम वी हर्ट देम तो हम बोलते कि हम सब्जेक्ट है हर्ट वर्ब है देम ऑब्जेक्ट है लेकिन वी हर्ट आर हमने खुद को हर्ट कर लिया तो जो इंपैक्ट है एक्शन का वो हम पर आ गया ना है ना ठीक है तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि हमारे क्वेश्चन में ये हमारा जो इंपैक्ट है जहां सब्जेक्ट के ऊपर वो एक्शन रेफर होता है उसको हम एम्पैथिक प्रोनाउन बोल सकते हैं वी will have टू डू द वर्क हां या फिर वी विल do वर्क work ourselves, वो भी करेक्ट है इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से देख लो ना आ जाओ आई फेल ओवर एंड हर्ट माई सेल्फ मैं गिरी टक, और मेरे को भी चोट लगी ना इम्पैक्ट मेरे एक्शन का मेरे ऊपर था ना तो ये क्या हो गया ये एम्पैथिक प्रोनाउन है ठीक है बी केयरफुल विद दैट नाइफ यू माइट कट तुम तुम किसे काटोगे अपने आप को काट सकते हो जब तुम्हारे ऊपर किसी एक्शन का रेफरेंस होता है तो उसको एम्पैथिक बोलते हैं वुड यू लाइक टू पोर योर सेल्फ ऑर ड्रिंक क्या तुम अपने लिए एक ड्रिंक पोर करोगे एम्फेथिक प्रोनाउन वी ब्रॉट आर सेल्फ समथिंग टू इट हमने अपने लिए कुछ खाने को मंगाया जब आप अपने ऊपर किसी भी एक्शन को करते हो जैसे आई लव माई सेल्फ तक क्या होता था ना अमित नॉर्मली हम लोग बोलते थे कि सब्जेक्ट के बाद खोज लो एम्फिक होता है, है ना लेकिन अब आपको एक और रूल पता है कि अगर सेंटेंस में हमारे ऊपर का एक्शन हम ही पे रेफर हो रहा है तो हम अपने ऊपर एम्फोसाइज करने के लिए भी एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इलाबोरेट सेक्शन ठीक है अब देखते हैं एक चीज अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो यहां पे एक्शन मेरे ही ऊपर हो रहा था तुमने किया तो तुम्हारे ही ऊपर हो रहा था अब रिफ्लेक्सिव अब कृतिका का एक बहुत अच्छा नहीं किसका क्वेश्चन आया था मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा ऊपर जाएंगे एक बार चेक करते हैं मैम नीति का क्वेश्चन आया ठीक है किसी और के लिए होगा क्या अच्छा आइए चेक करते हैं हैं आई डोंट नो एक साथ पढ़ते याद रखिएगा वी नेवर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मोस्टली क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब पे फोकस्ड होता है जब आपने कहा था दे एंजॉय डेमसेल्व तो वो वर्ब पे फोकस था कि वो वहां जाके एंजॉय कर रहे थे वो एंजॉय करे थे दे सब्जेक्ट दे एंजॉयड विथ होम देव वहां पर जो फोकस था वो वर्ब था यहां फोकस हम खुद थे एक चीज याद रखिएगा जिससे रूल आया है 2021 का क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके क्वेश्चन का ना कभी सब्जेक्ट बनेगा इट विल नेवर एक्ट एज अ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बना ही नहीं सकते पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज दिस इज नाई सेल्फ शिवांगी शुक्ला इज रॉन्ग क्यों होता है मैम भूल गए माई सेल्फ शिवांगी शुक्ला पहले तो गलत है तुमने अगर अपना नाम लगा दिया तो तुम शिवांगी शुक्ला लिख ही नहीं सकती या फिर माई सेल्फ लगा दोगी तो शिवांगी शुक्ला नहीं लिख सकती दोनों सेम है समझ में आया ठीक है वो गलत इंग्लिश है वहां बोलते ही नहीं है आओ चलो सबसे पहले माई सेल्फ विल गो टू विजिट गलत है यू के बाद माई सेल्फ है याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनी नहीं सकता कारण इतना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होता ही नहीं है वो तो रिफ्लेक्शन है ना किसी चीज का जैसे लिखा है यू एंड माई सेल्फ पहले तो आप बोलो मैम यही गलत है क्योंकि माई सेल्फ का तो यूज हम कर ही नहीं सकते हम तो बोलते यू एंड आई हम क्या बोलते हैं हम तो बोलते यू एंड आई तो पहले तो माई सेल्फ जाएगा ही नहीं अरे भैया हम जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ हम हैं हम सब्जेक्ट हैं तो मेरे साथ आई का यूज करो बस बात खत्म यू एंड आई विल बी गोइंग टू विजिट अ जू टूमो हम जाकर जू टूम विजिट करेंगे समझ में आया इज दैट क्लियर एक और ट्राई करो वी नेवर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट इन अन्टेंस पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए यहां पर दो सेंटेंस फिर से हैं ठीक है ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी यानी रॉन्ग और राइट रिवर्स हो सकता है आप मुझे बताइए ये दोनों करेक्ट है या फिर इनमें कोई गलती है ओनली टू राइट है मतलब आप कह रहे हो कि इसमें कोई रिवर्सल नहीं होगा इज इट दैट लेट्स हैव अ लुक यहां पे क्वेश्चन लिखा था लेट यू एंड माई सेल्फ बी द पार्ट ऑफ इट अगर तुम पार्ट हो तो मैं भी पार्ट हूं ना है ना तो हम क्या बोलेंगे लेट यू एंड मी बी पार्ट ऑफ इट इज राइट अब जो आई बोल रहे थे उन लोगों को हम उठाएंगे और लगाएंगे चट्टा। पूछो क्यों पूछो क्यों क्योंकि लेट के साथ बिटवीन के साथ आप लोग भूल गए या प्रपोजिशन के साथ लोग किसका यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का भूल गए सारे के सारे लोग लेट यू एंड मी गो टू दार्टी यस और नो याद आया तो यहां पर हम लेट यू एंड मी का यूज सॉरी लेट यू एंड मी का ही तो यूज करेंगे बिकॉज अगर हम आई लगाएंगे तो वो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा यस और नो आई लगाओगे तो सब्जेक्टिव केस में चला गया ना याद आया बिटवीन यू एंड मी लेट यू and मी ये कली का केस था इसी वजह से आपको एक ही रूल नहीं पढ़ना है एक ही रूल नहीं पढ़ा तो हो सकता एक ही सेंटेंस में दो दो प्रोनाउन के रूल लग रहे हो मल्टीपल रूल्स ऑफ द सेम चैप्टर दिस माइट ये तो एरर करेक्शन का ही पार्ट था सोचो अगर मैंने आई लिखा होता तुम तो राइट कर देते अगर आई होता तो तुम तो राइट कर देते कोई बात नहीं सेजल बस तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ लो उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए ठीक है चलिए नाउ वी ऑलवेज यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलोइंग आफ्टर फॉलोइंग वर्ब्स इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट अब इसमें ना मैं तुम लोगों को बोलूं आई से दिस माइट है ट्रिक्ड विद दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज अब मैं बोलूंगी कि इस चीज को अगर आप रट सकते हो तो आप रट लो ठीक है अगर आप रट सकते हो तो रट लो ना होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये वाले रूल्स हमेशा एग्जाम में नहीं पूछे जाते तो ऐसे वर्ब्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो बट अगर आप इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करोगे तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये जो वर्ब्स होते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ये हमेशा आपके क्वेश्चन के ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और हम इनको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं देखो इसका बहुत सिंपल तरीका था अगर आपको ये वर्ड्स याद हो जाए तब तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है बेटा अगर आपको ये वर्ड्स याद हो जाए तो इनसे बेहतर कुछ भी नहीं है ये एक्सेप्शन नहीं है गौरव ये वर्ब्स हैं ये तो आपके आसानी के लिए है कि अगर आप चाहो तो आप इसके थ्रू भी क्वेश्चन को याद रख सकते हो जैसे कि देखो अगर आप यूज करते हो एबसेंट Adapt, amuse, avail of, hurt, present, resign, acquit, address, apply, enjoy, poison, pride or safety. Satisfy. To in words kisat reflexive pronoun jayega hi jayega. He absented himself from the class. I adapted myself with the new environment. He amused herself yeah himself after the performance. We availed of ourselves of the opportunity. He hurt himself while playing cricket. He presented himself in front of the family members. She resigned herself from the position of CEO. He acquitted himself from the, from the crime. I addressed myself to the audience. I applied myself for the job. ऐसे केसेस में ये हमेशा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे मतलब आप इनके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकते लेकिन इतना याद रखना पॉसिबल है तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉर एवरी वन ऊपर से इससे हमेशा क्वेश्चन आते नहीं तो आप इन क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो वन मार्क्स विल नॉट मैटर अपना मुराल डाउन मत करना क्या यार ये तो अभी भी कंफ्यूजिंग है ऐसा होता है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में क्योंकि एक्सेप्शन है ना यू के नॉट से इज अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग आई एम नॉट इफ यू कैन लर्न इट्स ओके इफ यू कैन नॉट इट्स 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 फाइन ओके जस्ट वन रूल ठीक है नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए यहां लिखा है वी एंजॉयड

ये तो ठीक है यहां पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मोहन इंजॉयड हु हिमसेल्फ मोहन खुद को एंजॉय कर रहा है ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है इसी वजह से यहां पे एंजॉयड के साथ कोई भी वर्ब नहीं गया मोहन अ मूवी मोहन एंजॉयड व्हाट ठीक है तो मोहन इंजॉयड मूवी उसमें बस ही वाचिंग द मूवी वाला सेंस है इस वजह से इसमें कोई एक्शन ट्रांजिटिव इन नहीं जा रहा लेकिन वी एंजॉयड अ लॉट एट द पार्टी बोलते हैं ना ये गलत है यू एंजॉयड विथ हु व्हाट डिड यू एंजॉय एट द पार्टी वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है वी एंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट एट द पार्टी इज दैट क्लियर डिड यू अंडरस्टैंड नॉट एवरी एंजॉय विल टेक आवर सेल्फ यहां पर ही एंजॉयड द मूवी आई एंजॉयड द क्लास है ना बट ई एंजॉयड माई सेल्फ आंसरिंग इन द क्लास कुटर अगर तुम आंसर करना एंजॉय कर रहे थे तो आप बोल सकते थे आई एंजॉयड माई सेल्फ पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास अब समझ में आया आई एंजॉयड द क्लास आई एंजॉय माई सेल्फ पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास डिड यू अंडरस्टैंड दैट अब समझ में आया अब क्वेश्चन कराए अच्छा ठीक है लेट सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एक चीज और याद रखिएगा अगर कुछ वर्ब्स जाते हैं तो कुछ वर्ब्स नहीं भी जाते होंगे मैम uh, ये क्या है ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ कभी यूज नहीं हो सकते नहीं नहीं ये याद करना पड़ेगा तो अभी मेरे को याद आ रहा है उस बच्चे का बात हां लो आ गया एक्सेप्शन केस कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं और ये सारे वर्ब्स इंट्रांसिटिव होते हैं पता है आपको कैसे बेथ कीप सेल अनड्रेस

ठीक है ओपन हो गया शेव हो गया वॉश हो गया ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव भैया नहीं जाता नहीं जाता और इससे क्वेश्चन आया है 2019, 2022, ठीक है आइए जैसे चलिए थोड़े और एग्जाम्पल्स बता देती हूं फिर आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी एवरी वन शेवस ऑन संडे हर कोई अपने आप को संडे को छिल रहा होता है ये क्या बात हुई What is this? No, 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 no. Ah, okay. Everyone shaves on Sunday. That's it. Is it done? Is it done? Like you should keep yourself away from smokers. Tum kudko du smokers How is it that even making sense? No. You should keep away from smokers, that's all. Keep away, matlab kudko rakho baba. That's not making sense. So this is funny. Actually, this is very funny, but this is very tricky. अगर आपको आंसर नहीं आता तो हंड्रेड परसेंट गलती करके चले जाओगे कीप अवे का मतलब ही होता है दूर रखो अब खुद को ही रखोगे फॉर श्योर sure. है ना इज इट इज इट डन मतलब I think आप को यह चीज समझ में आ गई होगी हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं है ना चलिए नाउ आई थिंक यू पीपल आस्किंग फॉर क्वेश्चन ऑल द बेस्ट देखो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ये कर दे पाते हो या नहीं लेट्स प्लीज गो फॉर इट क्वेश्चन राइट सो है सिखाया था कि बेटा वर्ब के बाद में को बिठाना ठीक है अच्छा द डायरेक्टर सब्जेक्ट हो गया लेकिन वर्ब तो इधर आ गया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इधर आ गया द डायरेक्टर हिमसट डिक्लेयर उसने खुद को डिक्लेयर किया ना तो डायरेक्टर हुम, हुम, ही ही हुय हिमसेल्फ उसने कहा मैं आई एम ऑल पावरफुल एंड ऑल नोइंग मैं इच भगवान हूं इज इट ड हो गया ही डिक्लेय हिमसेल्फ। लेकिन द डायरेक्टर डिक्लेय अवॉर्ड अब द डायरेक्टर डिक्लेय अवॉर्ड अब अब ठीक है कि नहीं अब भी ठीक होता क्योंकि ही डिक्लेय अवॉर्ड Haan, उसने वॉर्डिक्लेयर किया लेकिन ही डिक्लेय हिमसेल्फ एज गॉड ये भी ठीक है ठीक है ही डिक्लेय हिमसेल्फ एज वॉट एज गॉड वो भी ठीक है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओके 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 सॉरी 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 यू वर आस्किंग फॉर द करेक्ट आंसर इट हैज टू बी बी गुड जॉब अगले पे आ जाइए आप लोग दिस इज अनादर क्वेश्चन एज इट वॉज रंजन फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट मैंने अभी तो बताया था आप कभी खुद को ड्रेस नहीं करते है ना हम लोग कभी खुद को ड्रेस नहीं करते मैम अभी तो आप बताए ड्रेस बाथ इन सबके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते एज इट वॉज इंटरव्यू ही ड्रेस्ड इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट ही ड्रेस्ड इन अ ब्यूटिफुल कुर्ता पजामा ही शी ड्रेप्ड अ साड़ी यस सो नो शी ड्रेस्ड इन अ ब्यूटिफुल गाउन दैट्स ऑल हाउ यू राइट इट

बहुत डिमोटिवेट होते थे बच्चे इसीलिए मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करा फिर कॉम्प्लिकेटेड लेके गई थी कि पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेते हैं फिर चलेंगे अपन आगे आई प्रिज्यूम आप लोगों ने आंसर दे दिया है नहीं ना अभी तो नहीं हुआ बेटा

आप इसको भी प्लूरल बनाओगे ना क्योंकि प्रोनाउन तो कहता है जैसा सब्जेक्ट वैसा ही मैं रहूंगा ठीक है so, सो यहाँ पे क्या बोलेंगे फॉल ऑफ यू अगर तुम आपस में ही लड़ते चले गए वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी फॉर श्योर योर यू ऑल मतलब योर सेल्फ हो जाएगा बेटा नेक्स्ट द सोल्यूशन इज योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ योर सेल्फ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन वट इज आंसर इफ यू एबसेंट फ्रॉम द कॉलेज टू की जरूरत ही नहीं है संस्कृति कॉमा लगा के भी वो सेंटेंस करेक्ट था जरूरी नहीं था आई प्रूम दट यू है अंडरस्ट इफ यू एबसेंट देखो इस सेंटेंस को लिखने के कई तरीके थे अगर हम बोलते

अब हमको फोकस करना है इफ यू एबसेंट अब यही एबसेंट पर अब फोकस चला गया ना और एबसेंट मेरी क्वेश्चन का वर्ब है ये वर्ब कैसा है ट्रांजिटिव तुम किसको एबसेंट करोगे डीएन मिश्रा खुद को सो so, आप क्या बोलोगे इफ यू बोलोगेट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिसिंग था इफ यू एबसेंट योर सेल्फ ऐसा नहीं है कि एबसेंट हमेशा जहां देखोगे वहीं पर सेल्फ लगा देगा ना 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 इफ यू आर एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग यू विल नॉट बी गिवन रिम्बर्समेंट ठीक है सो द आंसर इज कि आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब कहां है और वर्ब पे फोकस है कि नहीं अगर वर्ब पे फोकस है तो भैया वो ट्रांजिटिव वर्ब ही है ऑफ कोर्स यस यू वर ऑल करेक्ट वेरी गुड द आंसर हैज टू बी ए फॉर श्योर सो यस एब्सेंट के बाद यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा एक और ट्राई करिए अब इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज ही विल बी पनिश्ड अब जाएगा क्या अब ये वाले क्वेश्चन में तो बोला इफ ही इज एबसेंट आपने नोटिस ही नहीं किया यहाँ पे लिखा था अगर तुम एबसेंट हो इफ ही इज एबसेंट यहाँ वर्ब आ गया ना वर्ब के बाद वर्ब है बेटा यस इट इज अ नो एरर सेंटेंस इस करेक्शन में कोई भी मतलब इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं था इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट ठीक है हिमांशु तेरा नाम मेरे को दिखा ही नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं तेरा नाम जा तो so सोल्यूशन होगा इट इज अ नो एरर सेंटेंस। यहां एबसेंट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस जरूरी नहीं कि हर जगह एबसेंट दे के हिंसल घुसा देना ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट आइए आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बचपन में शायद एक ही प्रोनाउन ही आता था ठीक है हमें और वो था डेमोन्स्ट्रेटिव वो था दिस दैट दीज दो सब Those यानी वो सब आई थिंक एक ही प्रोनाउन हमने बचपन में ढंग से पढ़ा है और वो यही है ठीक है ये तो सबको पता है ठीक है अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल भी होंगे अच्छा जैसे दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स है ना Those आर नॉट children. चिल्ड्रेन दिस इज रियली इंटरेस्टिंग टू रीड बोथ नॉवेल्स आर इंटरेस्टिंग बट दिस इज बेटर देन दैट यहां पर हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अक्सर यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीजों को differentiate करने में आसान हो जाता है तो ये ना डिफरेंशियट करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत आसान है थिंग विच इज फर्स्ट मैं

जो बाद में मेंशन होता है वो दिस इज अड्रेसिंग पोएम एंड दैट दैट इज सोनेट इज अ फोर्टीन लाइंस पोएम इज दैट क्लियर नाउ दिस इज समथिंग यू आर लर्निंग फॉर अ फर्स्ट टाइम अगर दो चीजें आपके सेंटेंस में मेंशन है जैसे हिमांशु और अमित तो मैंने बोला हिमांशु का नाम पहले लिया अमित का बाद लिया तो अमित दिस है और हिमांशु दैट है दिस बॉय इज वेरी नॉटी ही इज द मोस्ट नॉटी तुमको समझ में आया डिम्पल समझ में आया दिस और दैट तब सेंटेंस में यूज करते हैं तो जो पास वाला है उसके लिए दिस जो दूर वाला था पहले मेंशन है उसके लिए आप दैट का यूज करोगे समझ में आया समझ में आया ये एक नया तरीका है जिससे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ठीक है आई होप इट इज अंडरस्टुड नेक्स्ट आप लोग आ जाइए एक समरी दे दें आप लोगों को जल्दी जल्दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो एक्शन होता है इट इज डन बाई द सब्जेक्ट ठीक है एंड इट टर्स बैक अपॉन द डूअर वी यूज रिफ्लेक्सिव वी नेवर यूज रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एम्फेटिक प्रोनाउन्स आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन्स जैसे हिमसेल्फ माई सेल्फ योर सेल्फ जो कि यूज करते हैं हम सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर टू हाउ वॉज दिस दैट इज ऑल यू